इस शहर को ये हुआ क्या कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता चुपचाप धुएं को क्यों झेलता हो गई बर्दाश्त सिगरेट पीड़ी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना धूम्रपान ना करें ना करने दे धूम्रपान पड़ेगा महंगा खुशी कौन नहीं चाहता लेकिन किस कीमत पर धूम्रपान महंगा पड़ता है धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी धूम्रपान पड़ेगा महंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी की फुल हिंदी में स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टार कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स उरी सर्जिकल स्ट्राइक एक 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की एक सैन्य एक्शन फिल्म है जिसमें नवोदित आदित्य धर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और आर एस बी मूवीज के बैनर तहत रानी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित है और दो के उरी हमले के प्रतिशोध की सच्ची घटनाओं का एक काल्पनिक रूप से नाटकीय वर्णन फिल्म में विक्की कौशल के साथ यामी गौतम मोहिन रैना कीर्ति कुल्हारी और परीश रावल प्रमुख भूमिकाओं में हैं और कर्नल कपिल यादव की कहानी कहते हैं कौशल का पैरा तो जिन्होंने घटनाओं में अग्रणी भूमिका निभाई है तो फैंस इस फिल्म को निर्देशित किया है आदित्य धर ने और इस फिल्म को लिखा है आदित्य धर और इसको उत्पादित किया है रोनी स्कीवाला ने और फैंस इस मूवी को अभिनित किया है बिक्की कौशल यामी गौतम मोहित रैना और कीर्ति कुल्हारी और परेश रावल जी ने तो फैंस इस फिल्म का छायांकन किया है मितेश ने तो फैंस इस फिल्म को संपादित किया है शिव कुमार बी पड़िकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है सचदेव ने अपने संगीत को दिया है प्रोडक्शन कंपनी है आर एस पी बी और इस फिल्म को वितरित किया है आर एस पी बी ने और इसकी कार्यकारिणी समय है 138 मिनट तो फ्रेंड्स यह मूवी 11 जनवरी 2019 को देश भारत भाषा हिंदी में रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 25 करोड़ अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन करोड़ का था तो रानी स्क्रूवाला ने दो की भारतीय नियंत्रण रेखा की हड़ताल के एक साल बाद सितंबर दो में फिल्म की घोषणा की इसकी मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में सार्बिया में शुरू हुई जहां सितंबर में मुंबई में समाप्त होने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था यह 11 जनवरी 2019 को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से आलोचकों की प्रशंसा के लिए जारी किया गया था जिसमें कलाकार पठक कथा एक्शन दृश्य और डिजाइन निर्देशन और तकनीकी पहलुओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है और चार राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसा प्राप्तकर्ता भी है तो इसे 25 करोड़ के बजट पर बनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया भर में तीन करोड़ यूएस 46 मिलियन की कमाई की और ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली वन तुष भारतीय फिल्म बन गई है और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ब्लैक बॉस्टर घोषित किया गया था पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को फिल्म को पांच अध्यायों में बांटा गया है द सेवन सिस्टर्स इसे उत्तर पूर्व भारत में तो पहला अध्याय जून 2015 हजार पंद्रह में एनएससी एन के उग्रवादियों द्वारा चंदेल मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने के साथ शुरू होता है जवाबी कार्रवाई में एक पैरा एसएफ अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल और उनकी यूनिट जिसमें उनके बहनोई मेजर करण कश्यप शामिल हैं और घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों पर हमला करते हैं और घात के लिए जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मार डालते हैं एक सफल हड़ताल के बाद भारत की प्रधानमंत्री ने औपचारिक रात्रि भोज में उन्हें और पूरी यूनिट को बधाई दी विहान जल्दी सेवानिवृत्ति का अनुरोध करता है और वो अपनी माँ के करीब रहना चाहता है जो स्टेज वीआई से पीड़ित है और अल्जाइमर जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बजाय नई दिल्ली में अपनी माँ के पास डेस्क जॉब की पेशकश की जिसके लिए वो सहमत है नंबर दो एक अस्थिर शांति नई दिल्ली भारत दूसरे अध्याय में विहान को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय में डेस्क की नौकरी करते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए दिखाया गया है यह खंड पठानकोट हमले का भी संक्षेप वर्णन है जिसमें जैसमीन डी अल्मेडा नाम की एक नर्स को विहान की मां की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया है विहान की मुलाकात एक भारतीय वायुसेना के पायलट से होती है जिसका नाम फाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और सीरत कौर जो अपने शहीद पिता को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है जो एक सैन्य अधिकारी थे जो एक हमले में मारे गए थे एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है वो उसे खोजता है और वो जैस्मिन को अज्ञानता के लिए दोषी ठहराता है और जैस्मिन को बताता है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है बिहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में प्रकट करती है में दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों के खतरे के चलते स्पेशल फोर्सेज के जवानों के परिवारों को सुरक्षा क्यों दी गई थी नंबर तीन विड्स इंडिया विथ थाउजेंड कट्स उरी जम्मू कश्मीर भारत 18 सितंबर 2016 को चार भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी जम्मू कश्मीर में ब्रिगेड मुख्यालय पर भोर में हमला किया जिसमें नौ सैनिकों की नींद में मौत हो गई और आतंकवादी मारे जाते हैं लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट में के कारण मौत हो जाती है जिसे उन्हें जांच के लिए उठाया गया था विहान समेत पूरा परिवार तबाह हो जाता है और मंत्रालय ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज ने सर्जिकल स्ट्राइक का सुझाव दिया और प्रधानमंत्री से जाने देते हैं और हड़ताल के लिए दस दिन का समय देते हैं और विहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उधमपुर में उरी कमान केवेश के लिए रवाना होता है वो थल सेना अध्यक्ष जनरल अर्जुन सिंह के राजा से अनुरोध करता है कि वो उसे ऑपरेशन में उसे गिने जिसे वो सहमत है विहान बिहार रेजिमेंट और विशेष बलों साथ के साथ डोंगरा रेजिमेंट के इलेक्ट घटक फोर्स कमांडो को चुना गया था क्योंकि हमले में मारे गए अधिकांश सैनिक इन रेजिमेंट से थे विहान उन्हें सूचित करता है कि वे जब अपने फोन का उपयोग नहीं कर सकते और मिशन का नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में छिपाते हैं कमांडो अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं नंबर चार नया हिंदुस्तान न्यू इंडिया नई दिल्ली भारत योजना के दौरान गोविंद ने इसरो उपग्रह चित्र प्रदान करने के लिए डीआरडीओ ड्रोन निगरानी के लिए और राय खुफिया जानकारी के लिए जोड़ा है जब वो डीआरडीओ प्रमुख बयान डिसूजा से मिलने जाते हैं तो उसे ईशान नाम के एक रिटर्न से मिलने का मौका मिलता है जिसने गरु नामक एक ड्रोन विकसित किया है जो दिखाता है कि एक ईगल की तरह आकार का है और ड्रोन और सैटेलाइट इमेज की मदद से वह आतंकवादियों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप की सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं जैसमिन ने विहान को पल्लवी शर्मा के रूप में अपना असली नाम बताया और निकाली की हमले की योजना किसने बनाई वही सीरत को अपना पायलट चुनता है जो पूरे दिल से सहमत है गोविंद ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तोप रखने की गोलाबाजी तेज करने और हमले करने वाले हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी वायुसेना के चिन्हों से रंगने का सुझाव भी देते हैं कमांडो भी बिहान के अधीन प्रशिक्षण शुरू करते हैं और पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय गतिविधियों पर संदेह करते हैं लेकिन कम आंकने के कारण उन्हें खारिज कर देते हैं नंबर पाँच हड़ताल पी ओ के पाकिस्तान अट्ठाईस सितंबर की रात को कमांडो एम आई सत्रह हेलीकॉप्टरों में अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमले के लिए रवाना होते हैं मिशन के दौरान बिहान के हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान में जासूसों की नवीनतम खुफिया जानकारी के कारण नियंत्रण रेखा को पार नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ए डब्ल्यू ए सी प्रारंभिक चेतावनी रडार आधिकारिक तैनात की है और उस क्षेत्र में उनके हेलीकॉप्टर नीचे लाने के लिए वो उनकी टीम एक गुफा के माध्यम से पैदल चलकर सुधार करती है जो अंधेरे और अन्य आतंकवादियों की अज्ञात उपस्थिति के कारण बहुत जोखिम भरा था उनकी टीम ने सफलतापूर्वक घुसपैठ की और दो लंच पैड पर भी सभी आतंकवादियों को मार गिराया इसी तरह अन्य कमांडो दल भी सभी आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाब होते हैं बिहान इदरीस और जब्बार को मार देते हैं तो उरी हमले के अपराधी हैं स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया जाता है और कमांडो जिनके पास गोला बारूद और समय कम होता है बच निकलते हैं वापस लौटते समय पास के मशीन गन बंकर और पाकिस्तानी वायुसेना के एम आई दोनों से भरी गोलाबारी की जाती है हेलीकॉप्टर जिसे विहान की टीम को रोकने के लिए लगाया जाता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत पाकिस्तानी गनपिस पर वापस फायरिंग करके उनके बचाव में आती हैं इस प्रकार इसे दूर भागती हैं और मिशन गन बंकर को नष्ट कर देती हैं उनकी टीम ने बिना किसी हताहत के भारतीय सीमा में नियंत्रण रेखा को सफलतापूर्वक पार किया और सौंपी गई बाकी टीमें भी सफल और बिना किसी हताहत के वापस आई और बिहान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हिडन वायुसेना स्टेशन पर बढ़ता है फिल्म उसके साथ समाप्त होती है पल्लवी गोविंद और कमांडो खुशी से प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक रात्रि भोज करते हैं क्रेडिट के बाद दृश्य में पाकिस्तान के एक मंत्री जमीर जागते हैं और भारत की सफल सर्जिकल स्ट्राइक की खबर देखते हुए हताहत में चिल्लाते हैं दृश्य जय हिंद पढ़ते हुए एक शीर्षक कार्ड में कट जाता है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में तो बिक्की कौशल मेजर विहान सिंह के रूप में हैं और परेश रावल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज के रूप में हैं अजीत डोभाल पर आधारित चित्रित फिल्म है तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रजित कपूर नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म पर हैं और राजवीर चौहान हैं यामी गौतम जैस्मिन डी अल्मेडा पल्लवी शर्मा एक अंडरकवर रा एजेंट के रूप में हैं कीर्ति कुल्हारी हैं और मेजर करण कश्यप के रूप में मोहित रैना और बिहान के बहनोई हैं और ईशान वट्टल के रूप में आकाशदीप अरोड़ा हैं और मानसी पखेस हैं और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में योगेश रोमन रविंदर हैं और स्वरूप संपत विहान की मां सुहासनी शेरगिल के रूप में हैं शिशिर शर्मा सी ओ एस जनरल अर्जुन सिंह राजावत के रूप में हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अजय गरेवाल के रूप में सत्यजीत शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा सी उत्तरी कमान पर आधारित है सुहानी कश्यप बिहान की भतीजी के रूप में रीवा अरोड़ा हैं और दारिया के रूप में हैं पदम भोला हैं और नवजीत तेज हुड्डल भारत के गृह मंत्री के रूप में हैं और ब्रिया डिसूजा डी आर डी ओ के रूप में हैं और कमाल मलिक पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के रूप में हैं और सुखविंदर चहल हैं और उज्जवल चोपड़ा हैं और कौशल रेहान हैं अब्रार जहूर इद्रीस खान के रूप में हैं राकेश वेदी वरिष्ठ पाकिस्तानी हैं और अजीत हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में आमिर यासीन हैं आदर्श गौतम अफजल लतीफ एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी के रूप में हैं जमीर के रूप में अनिल जार्ज एक पाकिस्तानी मंत्री हैं इसे सितंबर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक के एक साल बाद उरी की घोषणा निर्माता रानी स्क्रूवाला ने की थी फिल्म का निर्देशन नवोदित आदित्य धर द्वारा किया जाना था उन्होंने कहा कि फिल्म उन ग्यारह फिल्म दिनों में जो होने की कल्पना की गई थी उसकी कहानी है मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई और सितंबर में समाप्त हुई कौशल ने पाँच महीने तक व्यापक सैन्य प्रशिक्षण लिया और वजन बढ़ाया उन्होंने सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दिन में पाँच घंटे और तीन से चार घंटे सैन्य प्रशिक्षण लिया उन्होंने मुंबई में परेड में नौसेना वेश में बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया उन्होंने इसे शारीरिक रूप से मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म कहा इसमें एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय उनके हाथ में चोट लग गई थी कौशल और सहायक कलाकारों ने मुंबई के नेवी नगर में कैप्टन और मेजर के साथ प्रशिक्षण लिया जिसमें उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद और अन्य अभ्यासों का उपयोग करना सिखाया गया उरी की ज़्यादातर शूटिंग सार्बिया में हुई थी और पूरी मुंबई में हुई थी भारत पाकिना एल ओ और सैन्य चौकियों और आतंकवादी शिविरों जैसे अन्य क्षेत्रों को सार्बिया में फिर से बनाया गया था यामी गौतम ने मिश्रित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण उन्होंने शूटिंग की प्रतिक्रिया को थकाऊ लेकिन आनंददायक बताया फिल्म में परेश रावल मोहित रैना इवान डोगिस और कीर्ति कुल्हारी भी हैं स्क्रूवाला ने कहा है कि फ़िल्म में सच्ची कहानी पर आधारित युद्ध एक्शन और रणनीति के तत्व हैं भारतीय दर्शकों ने अभी तक सिनेमा में ऐसा अनुभव नहीं देखा यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी फिल्म को 19 मार्च 2019 को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से प्रीमियर किया गया था और पायरेसी को रोकने के लिए उरीदा द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्माताओं ने फिल्म के 3.8 गीगाबाइट नकली संस्करण को तैनात किया गया था टोरेंट जैसे नेटवर्क हालांकि रिलीज के एक सप्ताह के भीतर फिल्म को बूट लेग तमिल राकर्स द्वारा लीक कर दिया गया था फिल्म को तेलुगु डब संस्करण 14 जून 2019 हज़ार उन्नीस को इसी नाम से जारी किया गया था इस फिल्म के स्कोर और गाने सशस्त सचदेव द्वारा रचित और निर्मित किए गए थे कुमार राजशेखर और अभिरुचि चंद गीतकार थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल पाँच गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक छल्ला मैं लड़ जाना इसको रोमी विक्की ने गाया है और हरिहरन और सचदेव ने गाया है नंबर दो चला इसे राजशेखर और सचदेव ने गाया है नंबर तीन जिगरा इसको सिद्धार्थ और बसुर सशस्त्र सचदेव ने गाया है नंबर चार मंजार है ए नाया इसे शांतनु सुदामे और सशस्त्र सचदेव ने गाया है नंबर पाँच जग्गा जिते इसको डॉलर मेहंदी और, और सच्चा सचदेव ने गाया है पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को इस फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं रानी टोमेटोज पर फिल्म की तेरह समीक्षाओं के आधार पर बासठ परसेंट की स्वीकृत रेटिंग है और द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा है कि राजनीतिक विभाजन का कोई भी पक्ष खड़ा हो सकता है कोई धर्म की चतुरता और शिल्प को खारिज नहीं कर सकता और सेना अधिकारी के रूप में बिक्की कौशल शानदार थे टाइम्स न्यूज के अमान खुराना पाँच में से चार स्टार देते हुए टिप्पणी करते हैं कि उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक एक परिपक्व फिल्म है किसी तरह ये जानती है कि यह उस दशक को ध्यान में रख रही है जो वर्दी में पुरुषों को देखकर थक गया है जो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी छाती पीटते हैं और देश के लिए जुनून उनका आगे कहना है कि शानदार सिनेमाटियोग्राफी और बी एफ एक्स का काम यह सुनिश्चित करते हैं कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के कार्मिक बुक खाते के रूप में पार न हो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक बार देखने लायक अच्छी फिल्म है अगर किसी और चीज के लिए नहीं हो तो विक्की कौशल के लिए देखें जो अपनी भूमिका में सही मात्रा में तीव्रता लाते हैं और फिल्म को शुरू से अंत तक चलाते हैं तरण आदर्श फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं और लिखा है कि उनका कहना है कि उरी एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना चाहिए कहानी को सहमति करने वाला शानदार ढंग से निष्पादित करने और के दृश्य कौशल निर्देशन आदित्य रोमांचकारी मनोरंजक है और देशभक्ति की भावना जागती है बिना राष्ट्रवादी बने न्यूज 18 के राजीव मसंद ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिए और कहा है कि विक्की कौशल नायक के रूप में विशेष रूप से अच्छे रूप में है जो सेना के हर व्यक्ति को देखते हैं इस तरह के फौलादी दृढ़ संकल्प की जरूरत है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने कहा है कि फिल्म तथ्य और कल्पना के बीच वैकल्पिक है युद्ध की किरकिरी री, री और टॉप गन शैली हेलीकॉप्टरों से बाहर निकलने वाले सैनिकों के स्लो मोशन शॉट के बीच है पहली छमाही के लिए आदित्य इस तंग का प्रबंधन करती हैं जहाँ डी ओ मितेश मीरा चंदानी के मजबूत काम से सहायता प्राप्त रोक वा कुशलता से कहानी कहने का पैमाना है और कथा की धड़कन अनुमानित लेकिन संतोषजनक है लेकिन स्थानों पर कथानक को सरल पाया और हिंदुस्तान टाइम के राजा सेन ने फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और उरी एक बहुत अच्छी दिखने वाली फिल्म है हालांकि सिनेमाटोग्राफर को रात के युद्ध के हर एक शॉट में लेंस प्लेयर को लालाइट करने के लिए कहा गया था जबकि एक्शन पूरी तरह से शानदार है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने ओपनिंग वीकेंड में घरेलू सर्किट में पैंतीस करोड़ की कमाई की और पहले सप्ताह में फिल्म ने भारत में सत्तर पॉइंट चौरानबे करोड़ का कलेक्शन किया था इसने भारत से तीन सौ करोड़ और विदेशों से उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस सेवन पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की जिसने दुनिया भर में सकल संग्रह में तीन सौ उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस छियालीस मिलियन हो गया था फिल्म ने अपनी रिलीज के आठ दिन सकल संग्रह में सौ करोड़ यूएस एस तेरह मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था और दो सौ करोड़ यूएस एस सत्ताईस मिलियन की कमाई करने में पंद्रह दिन लगे और रिलीज़ के चौथे सप्ताह में इसने तीन सौ करोड़ यूएस एस मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में तीन सौ बयालीस करोड़ यूएस एस छियालीस मिलियन की कमाई करने से इसे सात सप्ताह का समय लगा था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है जिसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर यह फिल्म 5 मार्च 2019 को उस तारीख का बॉलीवुड से निर्मित दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म में नायक कौशल द्वारा अभिनीत अपने दस्ते से पूछताछ और हाउ इज द जोश हाउ द स्परिस्ट के लिए हिंग्लिश दस्ते का जवाब है हाई सर यह प्रश्न भारत में सैन्य अकादमियों के कैडेट में उनके उत्साह को परखने के लिए पूछा जाता है संवाद भारती सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अंत में एक संस्कृति घटना बन गया है संवाद को कई व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा उद्धत किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय फिल्म प्रभाग के भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए इस समारोह में भाग लेने वाली फिल्म बिरादरी को अपने संबोधन की शुरुआत में यह सवाल पूछा कि भारतीय विकेट टीम ने न्यूजीलैंड में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के बाद हाउ इज द जोश आगामी ट्वेंटी टू श्रृंखला के लिए और मुंबई पुलिस ने साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नारे का इस्तेमाल किया निर्देशक आदित्य धर स्टार कास्ट विक्की कौशल यामी गौतम प्रेस रावल कुर्तिक कुल्हारी और मोहित रैना विक्की कौशल स्टारर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म आज रिलीज हुई है इस फिल्म की कहानी उस घटना पर आधारित है जिसने भारतीय फिल्मों के मन में एक बार फिर देशभक्ति जगा दी है फिल्म उरी हमले में हमारे भारतीय सेना के सौर की गाथा को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है बता दें 18 सितंबर दो को जम्मू कश्मीर के बारामोला में उरी सेना कैंप पर हमला हुआ था इसी आतंकी हमले को सबसे कायराना आतंकी हमलों में गिना जाता है क्योंकि ये हमला कैंप में चैन की नींद सो रहे सेना के जवानों पर हुआ था भारतीय सेना के 19 जवानों को सोते हुए जिंदा जला दिया गया था इसी का बदला भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लिया गया और फिल्म सेना के इसी मिशन पर आधारित है इस फिल्म में विकी कौशल यामी गौतम परेश रावल मोहित रैना रजित कपूर मुख्य किरदारों में हैं फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है फिल्म में एक्टर रजित कपूर प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं वहीं राव सुरक्षा सलाहकार और अजीत डोभाल के किरदार में दिखाई दे रहे हैं तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी फिल्म की कहानी बिक्की कौशल और मोहित रैना के मिशन से शुरू होती है जिसे साल 2015 में मणिपुर सेना के काफिले पर हुए हमले से कहानी की शुरुआत होती है और इसके बाद इसे जनवरी 2016 में हुए गुरदासपुर अटैक की कहानी दिखाई जाती है फिल्म की पूरी कहानी आर्मी के ऑफिसर विक्की कौशल और मोहित रैना के इर्द गिर्द घूमती है ये दोनों ही भारतीय सेना के जवान हैं जो खास तरह से ट्रेड हैं और खास मिशन को अंजाम देते हैं विक्की ऐसे जवान हैं जो प्लानिंग में हर में माहिर हैं और उनके अब तक के ऑपरेशन में कोई उन्हें नहीं हरा पाया है लेकिन वो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते सीमा बॉर्डर छोड़कर दिल्ली में अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं इसी बीच उन्हीं पर एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें सेना के उन्नीस जवान दोस्त और जीजा मोहित रहना यहाँ से पनपता है और जवानों के दिलों में आतंकवादियों से बदला लेने का आक्रोश होता है इसी आतंकी हमले का बदला लेने की प्लानिंग सुरक्षा सलाहकार देश के पीएम से करते हैं इसी नाम दिया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक पीएम इसे मान लेते हैं साथ ही वो आदेश देते हैं कि पीएम को इस ऑपरेशन से जुड़ी हर अपडेट दी जाए इसके बाद विक्की कौशल एक रणनीति बनाते हैं और इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार करते हैं यहाँ से शुरू होता है सबसे कठिन सफ़र सर्जिकल स्ट्राइक जवान एक एक कर सभी ने उन सैनिकों की मौत का बदला लेते हैं इसमें इंटेलिजेंट्स ऑफिसर यामी गौतम और वायु सेना की कमांडर कीर्ति कुल्हाड़ी भी उनकी मदद करती हैं विक्की कौशल से लेकर यामी गौतम सभी ने शानदार एक्टिंग की है फिल्म को देखकर एक बार फिर देशभक्ति आपके मन में जाग उठेगी कहानी के अंत तक लोगों को बांधे रखती है फिल्म का दूसरा भाग पहले से ज़्यादा रोमांचकारी रहा कुल मिलाकर अगर फिल्म की एडिटिंग से लेकर निर्देशन तक सब कुछ देखा जाए तो पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरह से पूरी फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए गए हैं हालांकि जनता फिल्म को कितना पसंद करती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ही मालूम चल जाता है कि इस फिल्म का विषय क्या है और इसमें क्या दिखाया गया है सबसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सितंबर दो में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया जिसके चर्चे महीनों तक होते रहे इस घटना को आप कैसे अंजाम दिया गया और यह निर्देशक आदित्य धन ने अपनी फिल्म के जरिए कैसे दिखाया तो आदित्य को लगा कि वे केवल इस घटना पर ही पूरी फिल्म बना सकते हैं इसीलिए उन्होंने कुछ घटनाओं को फिल्म में जोड़ा जैसे कि फिल्म की शुरुआत में मणिपुर में आतंकवादियों को मार गिराने का घटनाक्रम दिखाया गया था मेजर विहान सिंह शेरगिल विकी कौशल उमदा तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं उनके साथ करण कश्यप मोहित रैना भी इस मिशन में शामिल होते हैं जो कि विहान की बहन नेहा के पति हैं विहान की माँ बीमार है और उसके लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं पूरी कैंप पर आतंकवादी हमला होता है और करण मारा जाता है इस हमले से पूरा देश गुस्से में है और प्रधानमंत्री इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती हैं बिहान को जब ये बात की पता चलता है तो वो इस मिशन में शामिल हो जाते हैं किस तरह से प्लान बनाया गया और किसकी मदद ली जाती है किसी तरह से इस मिशन को पूरा किया गया और यह फिल्म में प्रमुखता के साथ दिखाया गया है आदित्य धर ने ही स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने सेना के इस शौर्य गाथा को दिखाने के लिए थोड़ा नाटकीयता का सहारा भी लिया बीमार माँ शहीद की विधवा और जीजा की मौत का बदला जैसी भावनाओं को दर्शाया गया तो कुछ निरर्थक रोल भी देखने को मिलते हैं मिसाल के तौर पर यामी गौतम का किरदार आदित्य जिस घटना को थोड़ा विकृत में बताते हैं जो ज़्यादा समझ में आती है क्योंकि कई दर्शकों को इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है फिल्म में कमी इस बात की महसूस होती है कि फिल्म में तनाव ही नहीं है एक इतने बड़े मिशन को देखते समय दर्शक रोमांच और तनाव महसूस करना चाहते हैं जो फिल्म में नादार्थ है फिल्म का दूसरा हाफ बेहतर है और आखिरी का आधा घंटा रोमांच से भरा है मशीन गन बहादुर सैनिक हेलीकॉप्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी और नाइट विज़न विडाइट सेम जैसे वार फिल्म के लिए जरूरी बातें यहाँ नजर आती हैं जिसमें फिल्म देखने का मज़ा बढ़ जाता है क्योंकि यह एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है इसीलिए दर्शक और इसे विशेष जुड़ाव फिल्म में महसूस करते हैं और यही बात फिल्म में पूरे समय बांध कर रखती है आदित्य की इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि कुछ कमजोरियों के बावजूद वे दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखते हैं तो बिकी कौशल एक आर्मी मेजर की तरह लगे हैं उनका अभिनय सदा हुआ है खासतौर पर एक्शन दृश्यों में वे शानदार रहे हैं एन एस ए के चीफ गोविंद की भूमिका में परिस रावल जम रहे हैं छोटी सी भूमिका में मोहित रैना और असर छोड़ते हैं यामी गौतम और कीर्ति कुल्हारी को कम स्क्रीन टाइम मिला है प्रधानमंत्री के रोल में रजित कपूर असहज नजर आए हैं तो मितेश मीरा चंदानी को सिनेमेटोग्राफर शानदार है और फिल्म को एक अलग ही लुक देती हैं वे पैनिकर की एडिटिंग तारीफ के काबिल हैं उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक में बिक्की कौशल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है दर्शकों ने उनकी काफ़ी सराहनाएँ की है तो बिक्की कौशल एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें पुरस्कार विजेता फिल्म मसान के लिए जाना जाता है उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉरमेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था तो इनका जन्म 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनकी शिक्षा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई है इनका व्यवसाय अभिनेता हैं और इनका कार्यकाल 2012 से वर्तमान तक इनकी जीवनसाथी हैं कटरीना कैफ तो कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और रंट समन्वयक हैं वो स्मॉल डॉग मिनेरियर थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं बिक्की कौशल के भाई सनी कौशल भी फिल्म उद्योग से संबंधित हैं वो सहायक निर्देशक के रूप में गुंडे और माई फ्रेंड प्रिंटों में काम कर चुके हैं कौशल ने स्नातक की उपाधि एक इलेक्ट्रीशियन और दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त की है उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वो एक अभिनेता बनने की आकांक्षा रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए कौशल किशोर नामित कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए बिक्की कौशल ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लव शव के चिकन खुराना और बॉम्बे बेलबेट जैसी फिल्मों में छोटी सी भूमिकाएं निभाई हैं 2010 में बिक्की कौशल ने अनुराग कश्यप को फिल्म गैस अब वासेपुर में सहायक भूमिका निभाने के लिए काम किया था नीरज घयावन फिल्म में सहायक निर्देशक थे जब नीरज ने अपनी फिल्म मसान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियंस के लिए बुलाया गया था नीरज के अनुसार शुरू में वो आकांक्षा में थे क्योंकि कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी जबकि वो एक डेट पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है लेकिन ऑडियंस देखने के बाद वो उनकी क्षमता के बारे में अस्वस्थ हो गए थे कौशल की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 जार में जारी हुई और ये फिल्म एक युवा लड़के बिक्की कौशल की कहानी को बड़बड़ाने की बीमारी से ग्रस्त है उनकी अगली फिल्म राम राघव अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उन्होंने नशे की लत वाले किरदार को निभाया था बिक्की कौशल ने बाद में लव पर स्वेकवेयर और फुट और लस्ट स्टोरीज में भी काम किया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में यामी गौतम जी ने एक इंटेलिजेंट ब्यूरो का किरदार निभाया है उनके द्वारा निभाया गया किरदार दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो यामी गौतम हिंदी फिल्मों एवं धारावाहिकों की एक अभिनेत्री हैं इनका जन्म गौतम परिवार में हुआ है इनका जन्म अट्ठाईस नवम्बर उन्नीस को हिमाचल प्रदेश में हुआ था इनकी नागरिकता भारत है व्यवसाय अभिनेता और टेलीविज़न अभिनेता हैं पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में परेश रावल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो परेश रावल एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और राजनीतिक भी हैं जो विशेष रूप से हिंदी फिल्मों और तेलुगु और कुछ गुजराती और कुछ तमिल फ़िल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वो दो से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्त करता है उन्होंने उन्नीस में उन्होंने छोकरी और सर फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए सबसे सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला इसके बाद केतन मेहता का सरदार जिसने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाते देखा गया था एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई उन्होंने दो में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्होंने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट जैसे छना छणम उन्नीस सौ इक्यानवे मनी उन्नीस सौ तिरानवे मनी मनी उन्नीस सौ पंचानवे गोविंदा गोविंदा उन्नीस सौ चौरानवे रिक्शा वोडू उन्नीस सौ पंचानवे में वागरू बगुनारा उन्नीस सौ अठानवे में अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए पहचान प्राप्त की और हिंदी सिनेमा में उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ नाम उन्नीस और शिवा उन्नीस सौ नब्बे मोहरा उन्नीस सौ चौरानवे तमन्ना उन्नीस सौ छियानबे उन्नीस सौ दो हज़ार चार और टेबल नंबर इक्कीस दो हज़ार तेरह और जिला गाजियाबाद दो हज़ार तेरह है रावण ने हिंदी फिल्मों में कॉमेडी और कुछ गहन सहायक भूमिकाओं के साथ प्रशंसाएं प्राप्त की है क्योंकि उनकी कुछ उल्लेखनीय भूमिकाएँ अंदाज अपना अपना उन्नीस चाची चार सौ और हेरा फेरी दो नायक 2001 आंखें 2002 में अमरा पागल दीवाना 2002 में हंगामा 2003 में परेश रावल ने सहायक भूमिका में उन्नीस की फिल्म अर्जुन से अपनी शुरुआत की वो दूरदर्शन टीवी सीरियल बंटे बिगड़ते कलाकारों का हिस्सा थे ये 1986 की ब्लैक बॉस्टर नाम थी जिसने उन्हें महान प्रतिभा वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया और वो फिर 1980 और 1990 के दशक में सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दी जिनमें ज़्यादातर मुख्य खलनायक के रूप में थी जैसे कि रूप की रानी चोरों का राजा कब्जा किंग अंकल रामलखन दौड़बाजी और भी बहुत कुछ 1990 के दशक में उन्होंने कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में भी अभिनय किया जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है राहुल को 2000 के बॉलीवुड कर्ल्ट क्लासिक हेरा फेरी तक दर्शकों और आलोचकों दोनों द्वारा एक चरित्र अभिनेता के रूप में माना जाता है जिसके बाद उन्होंने मुख्य अभिनेता या मुख्य नायक के रूप में कई हिंदी मुख्यधारा की फिल्मों में भी अभिनय किया है परेश रावल ने फिल्म हेराफेरी में मंदबुद्धि उद्धाम और दयालु मराठी जमींदार बाबू राव गणपत राव अपटे की भूमिका निभाई जो राजू अक्षय कुमार और श्याम सुनील शट्टी को अपने घर भुगतान के रूप में लेता है और फिल्म को मिली प्रमुख राष्ट्रव्यापी सफलता के लिए परेश रावल का अभिनय एक महत्वपूर्ण

उन्मुख मल्टी स्टारर में देखा गया था साल 2012 में रावल ने फिल्म ओमेजी जी ओ माई गॉड में मुख्य भूमिका निभाई अक्षय कुमार को उनके समर्थन करते देखा गया था और दोनों ने अपनी भूमिकाओं के लिए शानदार समीक्षा प्राप्त की और उनका गुजराती नाटकों में भी एक बहुत ही सफल अभिनय करियर रहा नवीनतम नाटक डियर फादर टेलीविजन के लिए उन्होंने जी टीवी के तीन बहुरानिया सहारा वन में एक ए क्यों हूँ जैसे कलर्स के ल, लागी तुझसे लगन सहित कई हिंदी सावनों का निर्माण किया उनकी नवीनतम उल्लेखनीय रिलीज रणवीर कपूर के साथ राजकुमार हिरानी की संजू है और फिल्म में अभिनेता सुनील दत्त की भूमिका निभा रहे हैं वो हेरा फेरी थ्री में बाबू गणपत राव अपटे के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं और दो में रिलीज होने वाली लेकिन मई दो तक होल्ड है जिसे दस सितम्बर दो को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया है दो में स्पोर्ट ड्रामा तूफान में दिखाई दिए जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित एक फिल्म है जिसमें फराह अख्तर और राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज की भूमिका निभा रहे हैं यह फिल्म दुनिया भर में सोलह जुलाई दो को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की गई थी उनकी अन्य आगामी फिल्में आंख आग मिचौली शहजादा हेरा द स्टोरी टेलर जिसमें वह सत्यजीत रे के प्रसिद्ध चरित्र तारिणी खुरो की चरित्र को करेंगे एक काल्पनिक रूप से नाटकीय वर्णन फिल्म में बिक्की कौशल के साथ यामी गौतम मोहिन रैना कीर्ति कुल्हारी और परीश रावल प्रमुख भूमिकाओं में हैं और कर्नल कपिल यादव की कहानी कहते हैं कौशल का पैरा तो जिन्होंने घटनाओं में अग्रणी भूमिका निभाई है तो फैंस इस फिल्म को निर्देशित किया है आदित्य धर ने और इस फिल्म को लिखा है आदित्य धर और इसको उत्पादित किया है रोनी स्कीवाला ने और फैंस इस मूवी को अभिनित किया है बिक्की कौशल यामी गौतम मोहित रैना कीर्ति कुल्हारी और परेश रावल जी ने तो फैंस इस फिल्म का छायांकन किया है मितेश ने तो फैंस इस फिल्म को संपादित किया है शिव कुमार बी पड़िकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है सचदेव ने अपने संगीत को दिया है प्रोडक्शन कंपनी है आर एस पी बी और इस फिल्म को वितरित किया है आर एस पी बी ने और इसकी कार्यकारिणी समय है 138 मिनट तो फ्रेंड्स यह मूवी 11 जनवरी 2019 को देश भारत भाषा हिंदी में रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 25 करोड़ अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन करोड़ का था तो रानी स्क्रूवाला ने 2016 की भारतीय नियंत्रण रेखा की हड़ताल के एक साल बाद सितंबर 2017 में फिल्म की घोषणा की इसकी मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में सार्बिया में शुरू हुई जहां सितंबर में मुंबई में समाप्त होने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था यह 11 जनवरी 2019 को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से आलोचकों की प्रशंसा के लिए जारी किया गया था जिसमें कलाकार पठक कथा एक्शन दृश्यों और डिजाइन निर्देशन और तकनीकी पहलुओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है और चार राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसा प्राप्त करता भी है तो इसे 25 करोड़ के बजट पर बनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया भर में तीन करोड़ यूएस 46 मिलियन की कमाई की और ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली वनतुस्वि भारतीय फिल्म बन गई है और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ब्लैक घोषित किया गया था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को फिल्म को पाँच अध्यायों में बांटा गया है द सेवन सिस्टर्स इसे उत्तर पूर्व भारत में तो पहला अध्याय जून 2015 में एन एस सी एन के उग्रवादियों द्वारा चंदेल मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने के साथ शुरू होता है जवाबी कार्रवाई में एक पैरा एस एफ अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल और उनकी यूनिट जिसमें उनके बहनोवी मेजर करण कश्यप शामिल हैं और घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों पर हमला करते हैं और घात के लिए जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मार डालते हैं एक सफल हड़ताल के बाद भारत की प्रधानमंत्री ने औपचारिक रात्रि भोज में उन्हें और पूरी यूनिट को बधाई दी विहान जल्दी सेवानिवृत्ति का अनुरोध करता है और वो अपनी माँ के करीब रहना चाहता है जो स्टेज वीआई से पीड़ित है और अल्जाइमर जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बजाय नई दिल्ली में अपनी माँ के पास डेस्क जॉब की पेशकश की जिसके लिए वो सहमत है नंबर दो एक अस्थिर शांति नई दिल्ली भारत दूसरे अध्याय में विहान को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय में डेस्क की नौकरी करते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए दिखाया गया है यह खंड पठानकोट हमले का भी संक्षिप्त वर्णन है जिसमें जैस्मीन डी अल्मेडा नाम की एक नर्स को विहान की मां की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया है विहान की मुलाकात एक भारतीय वायुसेना के पायलट से होती है जिसका नाम फाइ फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और सीरत कौर जो अपने शहीद पिता को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है जो एक सैन्य अधिकारी थे जो एक हमले में मारे गए थे एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है वो उसे खोजता है और वो जैस्मिन को अज्ञानता के लिए दोषी ठहराता है और जैस्मिन को बताता है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है बिहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैस्मिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में प्रकट करती है फिल्म में दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों के खतरे के चलते स्पेशल फोर्सेज के जवानों के परिवारों को सुरक्षा क्यों दी गई थी नंबर तीन विट्स इंडिया विथ थाउजेंड कट्स उरी जम्मू कश्मीर भारत 18 सितंबर 2016 को चार भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी जम्मू कश्मीर में ब्रिगेड मुख्यालय पर भोर में हमला किया जिसमें नौ सैनिकों की नींद में मौत हो गई और आतंकवादी मारे जाते हैं लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट में के कारण मौत हो जाती है जिसे उन्हें जांच के लिए उठाया गया था विहान समेत पूरा परिवार तबाह हो जाता है और मंत्रालय ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज ने सर्जिकल स्ट्राइक का सुझाव दिया और प्रधानमंत्री से जानने देते हैं और हड़ताल के लिए दस दिन का समय देते हैं और बिहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उधमपुर में उरी कमान के वेश के लिए रवाना होता है वो थल सेना अध्यक्ष जनरल अर्जुन सिंह के राजावत से अनुरोध करता है कि वो उसे ऑपरेशन में उसे गिने जिसे वो सहमत है विहान बिहार रेजिमेंट और विशेष बलों साथ के साथ डोंगरा रेजिमेंट के इलेक्ट घटक फोर्स कमांडो को चुना गया था क्योंकि हमले में मारे गए अधिकांश सैनिक इन रेजिमेंट से थे विहान उन्हें सूचित करता है कि वे जब अपने फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते और मिशन का नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में छिपाते हैं कमांडो अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं नंबर नंबर चार नया हिंदुस्तान न्यू इंडिया नई दिल्ली भारत योजना के दौरान गोविंद ने इसरो उपग्रह चित्र प्रदान करने के लिए डीआरडीओ ड्रोन निगरानी के लिए और राय खुफिया जानकारी के लिए जोड़ा है जब वो डीआरडीओ प्रमुख बयान डिसूजा से मिलने जाते हैं तो उसे ईशान नाम के एक रिटर्न से मिलने का मौका मिलता है जिसने गरु नामक एक ड्रोन विकसित किया है जो दिखाता है कि एक ईगल की तरह आकार का है और ड्रोन और सैटेलाइट इमेज की मदद से वह आतंकवादियों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप की सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं जैसमिन ने विहान को पल्लवी शर्मा के रूप में अपना असली नाम बताया और निकाली की हमले की योजना किसने बनाई वही सीरत को अपना पायलट चुनता है जो पूरे दिल से सहमत है गोविंद ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तोप रखने की गोलाबाजी तेज करने और हमले करने वाले हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी वायुसेना के चिन्हों से रंगने का सुझाव भी देते हैं कमांडो भी बिहान के अधीन प्रशिक्षण शुरू करते हैं और पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय गतिविधियों पर संदेह करते हैं लेकिन कम आंकने के कारण उन्हें खारिज कर देते हैं नंबर पाँच हड़ताल पी के पाकिस्तान 28 सितंबर की रात को कमांडो एम आई सत्रह हेलीकॉप्टरों में अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमले के लिए रवाना होते हैं मिशन के दौरान बिहान के हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान में जासूसों की नवीनतम खुफिया जानकारी के कारण नियंत्रण रेखा को पार नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ए डब्ल्यू ए सी प्रारंभिक चेतावनी रडार आधिकारिक तैनात की है और उस क्षेत्र में उनके हेलीकॉप्टर नीचे लाने के लिए वो उनकी टीम एक गुफा के माध्यम से पैदल चलकर सुधार करती है जो अंधेरे और अन्य आतंकवादियों की अज्ञात उपस्थिति के कारण बहुत जोखिम भरा था उनकी टीम ने सफलतापूर्वक घुसपैठ की और दो लांच पैड पर भी सभी आतंकवादियों को मार गिराया इसी तरह अन्य कमांडो दल भी सभी आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाब होते हैं बिहान इदरीस और जब्बार को मार देते हैं तो उरी हमले के अपराधी हैं स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया जाता है और कमांडो जिनके पास गोला बारूद और समय कम होता है बच निकलते हैं वापस लौटते समय पास के मशीन गन बंकर और पाकिस्तानी वायुसेना के एम आई दोनों से भरी गोलाबारी की जाती है हेलीकॉप्टर जिसे विहान की टीम को रोकने के लिए लगाया जाता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत पाकिस्तानी गनपिस पर वापस फायरिंग करके उनके बचाव में आती हैं इस प्रकार इसे दूर भागती हैं और मिशन गन बंकर को नष्ट कर देती हैं उनकी टीम ने बिना किसी हताहत के भारतीय सीमा में नियंत्रण रेखा को सफलतापूर्वक पार किया और सौंपी गई बाकी टीमें भी सफल और बिना किसी हताहत के वापस आई और बिहान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हिडन वायुसेना स्टेशन पर बढ़ता है फिल्म उसके साथ समाप्त होती है पल्लवी गोविंद और कमांडो खुशी से प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक रात्रि भोज करते हैं क्रेडिट के बाद दृश्य में पाकिस्तान के एक मंत्री जमीर जागते हैं और भारत की सफल सर्जिकल स्ट्राइक की खबर देखते हुए हताहत में चिल्लाते हैं दृश्य जय हिंद पढ़ते हुए एक शीर्षक कार्ड में कट जाता है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में तो बिकी कौशल मेजर विहान सिंह के रूप में हैं और परेश रावल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज के रूप में हैं अजीत डोभाल पर आधारित चित्रित फिल्म है तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रजित कपूर नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म पर हैं और राजवीर चौहान हैं यामी गौतम जैसमिन डी अल्मेडा पल्लवी शर्मा एक अंडरकवर कवर एजेंट के रूप में हैं कीर्ति कुल्हारी हैं और मेजर करण कश्यप के रूप में मोहित रैना और बिहान के बहनोई हैं और ईशान वट्टल के रूप में आकाशदीप अरोड़ा हैं और मानसी पखस हैं और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में योगेश रोमन रविंदर हैं और स्वरूप संपत विहान की मां सुहासनी शेरगिल के रूप में हैं शिशिर शर्मा सी ओ एस जनरल अर्जुन सिंह राजावत के रूप में हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अजय गरेवाल के रूप में सत्यजीत शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा सी उत्तरी कमान पर आधारित है सुहानी कश्यप बिहान की भतीजी के रूप में रीवा अरोड़ा हैं और दारिया के रूप में हैं पदम भोला हैं और नवज तेज हुड्डल भारत के गृह मंत्री के रूप में हैं और ब्रियाडिस डी डी के रूप में हैं और कमाल मलिक पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के रूप में हैं और सुखविंदर चहल हैं और उज्जवल चौपड़ा हैं और कौशल रेहान हैं अब्रार जहूर इद्रिस खान के रूप में हैं राकेश वेदी वरिष्ठ पाकिस्तानी हैं और अजीत हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में आमिर यासीन हैं आदर्श गौतम अफजल लतीफ एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी के रूप में हैं जमीर के रूप में अनिल जार्ज एक पाकिस्तानी मंत्री हैं इसे सितंबर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक के एक साल बाद उरी की घोषणा निर्माता रानी स्क्रूवाला ने की थी फिल्म का निर्देशन नवोदित आदित्य धर द्वारा द्धार किया जाना था उन्होंने कहा कि फिल्म उन ग्यारह फिल्म दिनों में जो होने की कल्पना की गई थी उसकी कहानी है मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई और सितंबर में समाप्त हुई कौशल ने पाँच महीने तक व्यापक सैन्य प्रशिक्षण लिया और वज़न बढ़ाया उन्होंने सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दिन में पाँच घंटे और तीन से चार घंटे सैन्य प्रशिक्षण लिया उन्होंने मुंबई में कप परेड में नौसेना वेश में बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया उन्होंने इसे शारीरिक रूप से मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म कहा इसमें एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय उनके हाथ में चोट लग गई थी कौशल और सहायक कलाकारों ने मुंबई के नेवी नगर में कैप्टन और मेजर के साथ प्रशिक्षण लिया जिसमें उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद और अन्य अभ्यासों का उपयोग करना सिखाया गया उरी की ज़्यादातर शूटिंग सार्बिया में हुई थी और पूरी मुंबई में हुई थी भारत पाक एल एलओसी और सैन्य चौकियों और आतंकवादी शिविरों जैसे अन्य क्षेत्रों को सार्बिया में फिर से बनाया गया था यामी गौतम ने मिश्रित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण उन्होंने शूटिंग की प्रतिक्रिया को थकाऊ लेकिन आनंददायक बताया फिल्म में परेश रावल मोहित रैना इवान डोगिस और कीर्ति कुल्हारी भी हैं स्क्रूवाला ने कहा है कि फिल्म में सच्ची कहानी पर आधारित युद्ध एक्शन और रणनीति के तत्व हैं भारतीय दर्शकों ने अभी तक सिनेमा में ऐसा अनुभव नहीं देखा यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी फिल्म को 19 मार्च 2019 को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से प्रीमियर किया गया था और पायरेसी को रोकने के लिए उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक के निर्माताओं ने फिल्म के 3.8 गीगाबाइट गीगा बाइट नकली संस्करण को तैनात किया गया था टोरेंट जैसे नेटवर्क हालांकि रिलीज के एक सप्ताह के भीतर फिल्म को बूट लेग तमिल तमिलकरस द्वारा लीक कर दिया गया था फिल्म को तेलुगु डब संस्करण 14 जून 2019 हज़ार उन्नीस को इसी नाम से जारी किया गया था इस फिल्म के स्कोर और गाने सशस्त सचदेव द्वारा रचित और निर्मित किए गए थे कुमार राजशेखर और अभिरुचि चंद गीतकार थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल पाँच गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक छल्ला मैं लड़ जाना इसको रोमी विक्की ने गाया है और हरिहरन और सचदेव ने गाया है नंबर दो बेह चला इसे राजशेखर और सचदेव ने गाया है नंबर तीन जिगरा इसको सिद्धार्थ और बसुर सशस्त सचदेव ने गाया है नंबर चार मंजार है ए नाया इसे शांतनु सुदामे और सशस्त्र सचदेव ने गाया है नंबर पाँच जग्गा जीते इसको डॉलर मेहंदी और, और सच्चा सचदेव ने गाया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को इस फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं रानी पर फिल्म की तेरह समीक्षाओं के आधार पर बासठ परसेंट की स्वीकृत रेटिंग है और द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा है कि राजनीतिक विभाजन का कोई भी पक्ष खड़ा हो सकता है कोई धर्म की चतुरता और शिल्प को खारिज नहीं कर सकता और सेना अधिकारी के रूप में बिक्की कौशल शानदार थे टाइम्स न्यूज के अमान खुराना पाँच में से चार स्टार देते हुए टिप्पणी करते हैं कि उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक एक परिपक्व फिल्म है किसी तरह ये जानती है कि यह उस दशक को ध्यान में रख रही है जो वर्दी में पुरुषों को देखकर थक गया है जो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी छाती पीटते हैं और देश के लिए जुनून उनका आगे कहना है कि शानदार सिनेमाटोग्राफी और बी एफ एक्स का काम यह सुनिश्चित करते हैं कि द सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के कार्मिक बुक खाते के रूप में पर न हो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक बार देखने लायक अच्छी फिल्म है अगर किसी और चीज के लिए नहीं हो तो विक्की कौशल के लिए देखें जो अपनी भूमिका में सही मात्रा में तीव्रता लाते हैं और फिल्म को शुरू से अंत तक चलाते हैं तरण आदर्श फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं और लिखा है कि उनका कहना है कि उरी एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना चाहिए कहानी को सहमति करने वाला शानदार ढंग से निष्पादित करने और के दृश्य कौशल निर्देशन आदित्य रोमांचकारी मनोरंजक है और देशभक्ति की भावना जागती है बिना राष्ट्रवादी बने न्यूज 18 के राजीव मसंद ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिए और कहा है कि विक्की कौशल नायक के रूप में विशेष रूप से अच्छे रूप में है जो सेना के हर व्यक्ति को देखते हैं इस तरह के फौलादी दृढ़ संकल्प की जरूरत है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने कहा है कि फिल्म तथ्य और कल्पना के बीच वैकल्पिक है युद्ध की किरकिरी री, री और टॉप गन शैली हेलीकॉप्टरों से बाहर निकलने वाले सैनिकों के स्लो मोशन शॉट के बीच है पहली छमाही के लिए आदित्य इस तंग का प्रबंधन करते हैं जहाँ डी ओ मितेश मीरा चंदानी के मजबूत काम से सहायता प्राप्त रोक वा कुशलता से कहानी कहने का पैमाना है और कथा की धड़कन अनुमानित लेकिन संतोषजनक है लेकिन स्थानों पर कथानक को सरल पाया और हिंदुस्तान टाइम के राजा सेन ने फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और उरी एक बहुत अच्छी दिखने वाली फिल्म है हालांकि सिनेमाटोग्राफर को रात के युद्ध के हर एक शॉट में लेंस प्लेयर को लालाइट करने के लिए कहा गया था जबकि एक्शन पूरी तरह से शानदार है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने ओपनिंग वीकेंड में घरेलू सर्किट में पैंतीस पॉइंट तिहत्तर करोड़ की कमाई की और पहले सप्ताह में फिल्म ने भारत में सत्तर पॉइंट चौरानबे करोड़ का कलेक्शन किया था इसने भारत से तीन करोड़ और विदेशों से उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस सेवन पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की जिसने दुनिया भर में सकल संग्रह में तीन सौ उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस छियालीस मिलियन हो गया था फिल्म ने अपनी रिलीज के आठ दिन सकल संग्रह में सौ करोड़ यूएस एस तेरह मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था और दो सौ करोड़ यूएस सत्ताईस मिलियन की कमाई करने में पंद्रह दिन लगे और रिलीज के चौथे सप्ताह में इसने तीन सौ करोड़ यूएस चालीस मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में तीन सौ बयालीस करोड़ यूएस एस छियालीस मिलियन की कमाई करने से इसे सात सप्ताह का समय लगा था वरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है जिसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर यह फिल्म 5 मार्च 2019 को उस तारीख का बॉलीवुड से निर्मित दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म में नायक कौशल द्वारा अभिनीत अपने दस्ते से पूछताछ और हाउ इज द जोश हाउ द स्परिस्ट के लिए हिंग्लिश दस्ते का जवाब है हाई सर यह प्रश्न भारत में सैन्य अकादमियों के कैडेट में उनके उत्साह को परखने के लिए पूछा जाता है संवाद भारती सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अंत में एक संस्कृति घटना बन गया है संवाद को कई व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा उद्धत किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय फिल्म प्रभाग के भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए समारोह में भाग लेने वाली फिल्म बिरादरी को अपने संबोधन की शुरुआत में यह सवाल पूछा कि भारतीय विकेट टीम ने न्यूजीलैंड में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के बाद हाउ इज द जोश आगामी ट्वेंटी टू श्रृंखला के लिए और मुंबई पुलिस ने साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नारे का इस्तेमाल किया निर्देशक आदित्य धर स्टार कास्ट विक्की कौशल यामी गौतम प्रेस रावल कुर्तिक कुल्हारी और मोहित रैना विक्की कौशल स्टार फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म आज रिलीज हुई है इस फिल्म की कहानी उस घटना पर आधारित है जिसने भारतीय फिल्मों के मन में एक बार फिर देशभक्ति जगा दी है फिल्म उरी हमले में हमारे भारतीय सेना के शौर्य की गाथा को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है बता दें 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी सेना कैंप पर हमला हुआ था इसी आतंकी हमले को सबसे कायराना आतंकी हमलों में गिना जाता है क्योंकि ये हमला कैंप में चैन की नींद सो रहे सेना के जवानों पर हुआ था भारतीय सेना के 19 जवानों को सोते हुए जिंदा जला दिया गया था इसी का बदला भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लिया गया और फिल्म सेना के इसी मिशन पर आधारित है इस फिल्म में बिकी कौशल यामी गौतम परेश रावल मोहित रैना रजित कपूर मुख्य किरदारों में हैं फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है फिल्म में एक्टर रजित कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं वहीं परेश रावल सुरक्षा सलाहकार और अजीत डोभाल के किरदार में दिखाई दे रहे हैं तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी फिल्म की कहानी विक्की कौशल और मोहित रैना के मिशन से शुरू होती है जिसे साल 2015 में मणिपुर सेना के काफिले पर हुए हमले से कहानी की शुरुआत होती है और इसके बाद इसे जनवरी 2016 में हुए गुरदासपुर अटैक की कहानी दिखाई जाती है फिल्म की पूरी कहानी आर्मी के ऑफिसर विक्की कौशल और मोहित रैना के इर्द गिर्द घूमती है ये दोनों ही भारतीय सेना के जवान हैं जो खास तरह से ट्रेड हैं और खास मिशन को अंजाम देते हैं विक्की ऐसे जवान हैं जो प्लानिंग में हर में माहिर हैं और उनके अब तक के ऑपरेशन में कोई उन्हें नहीं हरा पाया है लेकिन वो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते सीमा बॉर्डर छोड़कर दिल्ली में अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं इसी बीच उरी पर एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें सेना के 19 जवान दोस्त और जीजा मोहित रैना यहां से पनपता है और जवानों के दिलों में आतंकवादियों से बदला लेने का आक्रोश होता है इसी आतंकी हमले का बदला लेने की प्लानिंग सुरक्षा सलाहकार देश के पीएम से करते हैं इसी नाम दिया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक पीएम इसे मान लेते हैं साथ ही वो आदेश देते हैं कि पीएम को इस ऑपरेशन से जुड़ी हर अपडेट दी जाए इसके बाद विक्की कौशल एक रणनीति बनाते हैं और इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार करते हैं यहाँ से शुरू होता है सबसे कठिन सफ़र सर्जिकल स्ट्राइक जवान एक एक कर सभी ने उन सैनिकों की मौत का बदला लेते हैं इसमें इंटेलिजेंट्स ऑफिसर यामी गौतम और वायु सेना की कमांडर कीर्ति कुल्हाड़ी भी उनकी मदद करती हैं विक्की कौशल से लेकर यामी गौतम सभी ने शानदार एक्टिंग की है फिल्म को देखकर एक बार फिर देशभक्ति आपके मन में जाग उठेगी कहानी के अंत तक लोगों को बांधे रखती है फिल्म का दूसरा भाग पहले से ज़्यादा रोमांचकारी रहा कुल मिलाकर अगर फिल्म की एडिटिंग से लेकर निर्देशन तक सब कुछ देखा जाए तो पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरह से पूरी फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए गए हैं हालांकि जनता फिल्म को कितना पसंद करती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ही मालूम चल जाता है कि इस फिल्म का विषय क्या है और इसमें क्या दिखाया गया है सबसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सितंबर दो में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया जिसके चर्चे महीनों तक होते रहे इस घटना को आप कैसे अंजाम दिया गया और यह निर्देशक आदित्य धन ने अपनी फिल्म के जरिए कैसे दिखाया तो आदित्य को लगा कि वह केवल इस घटना पर ही पूरी फिल्म बना सकते हैं इसीलिए उन्होंने कुछ घटनाओं को फिल्म में जोड़ा जैसे कि फिल्म की शुरुआत में मड़पुर में आतंकवादियों को मार गिराने का घटनाक्रम दिखाया गया था मेजर विहान सिंह सेरगिल विक्की कौशल उम्दा तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं उनके साथ करणकश्य मोहित रैना भी इस मिशन में शामिल होते हैं जो कि विहान की बहन नेहा के पति हैं विहान की माँ बीमार है और उसके लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैंUri कैंप पर आतंकवादी हमला होता है और करण मारा जाता है इस हमले से पूरा देश गुस्से में है और प्रधानमंत्री इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती हैं बिहान को जब ये बात की पता चलता है तो वो इस मिशन में शामिल हो जाते हैं किस तरह से प्लान बनाया गया और किसकी मदद ली जाती है किसी तरह से इस मिशन को पूरा किया गया और यह फिल्म में प्रमुखता के साथ दिखाया गया है आदित्य धर ने ही स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने सेना के इस शौर्य गाथा को दिखाने के लिए थोड़ा नाटकीयता का सहारा भी लिया बीमार माँ शहीद की विधवा और जीजा की मौत का बदला जैसी भावनाओं को दर्शाया गया तो कुछ निरर्थक रोल भी देखने को मिलते हैं मिसाल के तौर पर यामी गौतम का किरदार आदित्य जिस घटना को थोड़ा विकृत में बताते हैं जो ज़्यादा समझ में आती है क्योंकि कई दर्शकों को इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है फिल्म में कमी इस बात की महसूस होती है कि फिल्म में तनाव ही नहीं है एक इतने बड़े मिशन को देखते समय दर्शक रोमांच और तनाव महसूस करना चाहते हैं जो फिल्म में नादार्थ है फिल्म का दूसरा हाफ बेहतर है और आखिरी का आधा घंटा रोमांच से भरा है मशीन गन बहादुर सैनिक हेलीकाप्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी और नाइट विज़न विडाइट सेम जैसे वार फिल्म के लिए जरूरी बातें यहाँ नजर आती हैं जिसमें फिल्म देखने का मज़ा बढ़ जाता है क्योंकि यह एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है इसीलिए दर्शक और इसे विशेष जुड़ाव फिल्म में महसूस करते हैं और यही बात फिल्म में पूरे समय बांध कर रखती है आदित्य कि इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि कुछ कमजोरियों के बावजूद वे दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखते हैं तो बिकी कौशल एक आर्मी मेजर की तरह लगे हैं उनका अभिनय सदा हुआ है खासतौर पर एक्शन दृश्यों में वे शानदार रहे हैं एन एस ए के चीफ गोविंद की भूमिका में परीस रावल जम रहे हैं छोटी सी भूमिका में मोहित रैना और असर छोड़ते हैं यामी गौतम और कीर्ति कुल्हारी को कम स्क्रीन टाइम मिला है प्रधानमंत्री के रोल में रजित कपूर असहज नजर आए हैं तो मितेश मीरा चंदानी को सिनेमाटोग्राफर शानदार है और फिल्म को एक अलग ही लुक देती हैं वे पैनिकर की एडिटिंग तारीफ के काबिल हैं द सर्जिकल स्ट्राइक में बिक्की कौशल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है दर्शकों ने उनकी काफ़ी सराहनाएं की है तो बिक्की कौशल एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें पुरस्कार विजेता फिल्म मसान के लिए जाना जाता है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था तो इनका जन्म सोलह मई उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनकी की शिक्षा राजीव गांधी इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई है इनका व्यवसाय अभिनेता हैं और इनका कार्यकाल 2012 से वर्तमान तक इनकी जीवन साथी हैं कटरीना कैफ तो कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और रंट समन्वयक हैं वो स्मॉल डॉग मिनेवियर थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं बिक्की कौशल के भाई सनी कौशल भी फिल्म उद्योग से संबंधित हैं वो सहायक निर्देशक के रूप में गुंडे और माई फ्रेंड प्रिंटों में काम कर चुके हैं कौशल ने स्नातक की उपाधि एक इलेक्ट्रीशियन और दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त की है उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वो एक अभिनेता बनने की आकांक्षा रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए कौशल किशोर नामित कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए बिक्की कौशल ने एक लघु फिल्म गीकआउट के अलावा लव सव के चिकन खुराना और बॉम्बे बेलबेट जैसी फिल्मों में छोटी सी भूमिकाएं निभाई हैं दो में बिक्की कौशल ने अनुराग कश्यप को फिल्म गैस ऑफ वासेपुर में सहायक भूमिका निभाने के लिए काम किया था नीरज घयावन फिल्म में सहायक निर्देशक थे जब नीरज ने अपनी फिल्म मसान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियंस के लिए बुलाया गया था नीरज के अनुसार शुरू में वो आकांक्षा में थे क्योंकि कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी जबकि वो एक डेट पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है लेकिन ऑडियंस देखने के बाद वो उनकी क्षमता के बारे में अस्वस्थ हो गए थे कौशल की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 जार में जारी हुई और ये फिल्म एक युवा लड़के बिक्की कौशल की कहानी को बड़बड़ाने की बीमारी से ग्रस्त है उनकी अगली फिल्म राम राघव अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उन्होंने नशे की लत वाले किरदार को निभाया था बिक्की कौशल ने बाद में लव पर स्वेकवेयर और फुट और लस्ट स्टोरीज में भी काम किया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में यामी गौतम जी ने एक इंटेलिजेंट ब्यूरो का किरदार निभाया है उनके द्वारा निभाया गया किरदार दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो यामी गौतम हिंदी फिल्मों एवं धारावाहिकों की एक अभिनेत्री हैं इनका जन्म गौतम परिवार में हुआ है इनका जन्म 28 नवंबर 1988 को हिमाचल प्रदेश में हुआ था इनकी नागरिकता भारत है व्यवसाय अभिनेता और टेलीविजन अभिनेता हैं पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में परेश रावल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो परेश रावल एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ भी हैं जो विशेष रूप से हिंदी फिल्मों और तेलुगु और कुछ गुजराती और कुछ तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वो दो से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्त करता है उन्होंने उन्नीस में उन्होंने छोकरी और सर फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए सबसे सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला इसके बाद केतन मेहता का सरदार जिसने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाते देखा गया था एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई उन्होंने दो में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्होंने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट जैसे छना छणम उन्नीस मनी उन्नीस मनी मनी उन्नीस गोविंदा गोविंदा उन्नीस सौ चौरानवे रिक्शा वोडू उन्नीस में वागुरु बगुनारा उन्नीस में अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए पहचान प्राप्त की और हिंदी सिनेमा में उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियां नाम उन्नीस और शिवा उन्नीस सौ नब्बे मोहरा उन्नीस सौ चौरानवे तमन्ना उन्नीस सौ छियानवे उन्नीस सौ और टेबल नंबर 21 2013 और जिला गाजियाबाद 2013 है रावण ने हिंदी फिल्मों में कॉमेडी और कुछ गहन सहायक भूमिकाओं के साथ प्रशंसाएं प्राप्त की है क्योंकि उनकी कुछ उल्लेखनीय भूमिकाएँ अंदाज अपना अपना उन्नीस चाची चार सौ और हेरा फेरी दो नायक 2001 आंखें 2002 में अमरा पागल दीवाना 2002 में हंगामा 2003 में प्रेस रावल ने सहायक भूमिका में उन्नीस की फिल्म अर्जुन से अपनी शुरुआत की वो दूरदर्शन टीवी सीरियल बंटे बिगड़ते कलाकारों का हिस्सा थे ये 1986 की ब्लैक बॉस्टर नाम थी जिसने उन्हें महान प्रतिभा वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया और वो फिर 1980 और 1990 के दशक में सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें ज़्यादातर मुख्य खलनायक के रूप में थी जैसे कि रूप की रानी चोरों का राजा कब्जा किंग अंकल रामलखन दौड़बाजी और भी बहुत कुछ 1990 के दशक में उन्होंने कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में भी अभिनय किया जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है राहुल को 2000 के बॉलीवुड कर्ल्ट क्लासिक हेरा फेरी तक दर्शकों और आलोचकों दोनों द्वारा एक चरित्र अभिनेता के रूप में माना जाता है जिसके बाद उन्होंने मुख्य अभिनेता या मुख्य नायक के रूप में कई हिंदी मुख्य धारा की फिल्मों में भी अभिनय किया है परेश रावल ने फिल्म हेराफेरी में मंदबुद्धि उद्धाम और दयालु मराठी जमींदार बाबू राव गणपत राव अपटे की भूमिका निभाई जो राजू अक्षय कुमार और श्याम सुनील शट्टी को अपने घर भुगतान के रूप में लेता है और फिल्म को मिली प्रमुख राष्ट्रव्यापी सफलता के लिए परेश रावल का अभिनय एक महत्वपूर्ण कारण था अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सबश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता उन्होंने फिल्म फेयर फेरी की अगली कड़ी में बाबू राव के रूप में अपनी भूमिका दोहराई दो हजार छह सफल रही और दो, दो में एक उल्लेखनीय मुख्य भूमिका आई जब रावल ने अमिताभ बच्चन आदित्य पांचोली अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल और सुष्मिता सेन की अभिनित हिट फिल्म आंखें में तीन अंधे बैंक लुटेरों में से एक का किरदार निभाया राहुल ने 2000 के शेष के लिए मुख्य रूप से कॉमेडी उन्मुख मल्टी स्टारर में देखा गया था साल 2012 में रावल ने फिल्म ओमेजी ओ माय गॉड में मुख्य भूमिका निभाई अक्षय कुमार को उनके समर्थन करते देखा गया था और दोनों ने अपनी भूमिकाओं के लिए शानदार समीक्षा प्राप्त की और उनका गुजराती नाटकों में भी एक बहुत ही सफल अभिनय करियर रहा नवीनतम नाटक डियर फादर टेलीविजन के लिए उन्होंने जी टीवी के तीन बहुरानिया सहरावन में एक ए क्यों हूँ जैसे कलर्स के लागी तुझसे लगन सहित कई हिंदी सावनों का निर्माण किया उनकी नवीनतम उल्लेखनीय रिलीज रणवीर कपूर के साथ राजकुमार हिरानी की संजू है और फिल्म में अभिनेता सुनील दत्त की भूमिका निभा रहे हैं वो हेरा फेरी थ्री में बाबू गणपतराव अपटे के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं और दो में रिलीज होने वाली लेकिन मई दो तक होल्ड है जिसे दस सितंबर दो को भारत के राष्ट्र

द स्टोरी टेलर जिसमें वह सत्यजीत रे के प्रसिद्ध चरित्र तारिणी खुरो की चरित्र को करेंगे एक काल्पनिक रूप से नाटकी वर्णन फिल्म में बिक्की कौशल के साथ यामी गौतम मोहिन रैना कीर्ति कुल्हारी और परीश रावल प्रमुख भूमिकाओं में हैं और कर्नल कपिल यादव की कहानी कहते हैं कौशल का पैरा तो जिन्होंने घटनाओं में अग्रणी भूमिका निभाई है तो फैंस इस फिल्म को निर्देशित किया है आदित्य धर ने और इस फिल्म को लिखा है आदित्य धर और इसको उत्पादित किया है रोनी स्कीवाला ने और फैंस इस मूवी को अभिनय किया है बिक्की कौशल यामी गौतम मोहित रैना कीर्ति कुल्हारी और परेश रावल जी ने तो फैंस इस फिल्म का छायांकन किया है मितेश ने तो फैंस इस फिल्म को संपादित किया है शिव कुमार बी पड़िकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है सचदेव ने अपने संगीत को दिया है प्रोडक्शन कंपनी है आर एस पी बी और इस फिल्म को वितरित किया है आर एस पी बी ने और इसकी कार्यकारिणी समय है 138 मिनट तो फ्रेंड्स यह मूवी 11 जनवरी 2019 को देश भारत भाषा हिंदी में रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 25 करोड़ अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन करोड़ का था तो रानी स्क्रूवाला ने दो की भारतीय नियंत्रण रेखा की हड़ताल के एक साल बाद सितंबर दो में फिल्म की घोषणा की इसकी मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में सार्बिया में शुरू हुई जहां सितंबर में मुंबई में समाप्त होने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था यह 11 जनवरी 2019 को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से आलोचकों की प्रशंसा के लिए जारी किया गया था जिसमें कलाकार पठक कथा एक्शन दृश्यों और डिजाइन निर्देशन और तकनीकी पहलुओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है और चार राष्ट्रीय फेयर पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसा प्राप्तकर्ता भी है तो इसे 25 करोड़ के बजट पर बनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया भर में तीन करोड़ यूएस 46 मिलियन की कमाई की और ये अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली वनतुस्वी भारतीय फिल्म बन गई है और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ब्लैक घोषित किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को फिल्म को पाँच अध्यायों में बांटा गया है द सेवन सिस्टर्स इसे उत्तर पूर्व भारत में तो पहला अध्याय जून 2015 में एन एस सी एन के उग्रवादियों द्वारा चंदेल मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने के साथ शुरू होता है जवाबी कार्रवाई में एक पैरा एस एफ अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल और उनकी यूनिट जिसमें उनके बहनोई मेजर करण कश्यप शामिल हैं और घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों पर हमला करते हैं और घात के लिए जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मार डालते हैं एक सफल हड़ताल के बाद भारत की प्रधानमंत्री ने औपचारिक रात्रि भोज में उन्हें और पूरी यूनिट को बधाई दी विहान जल्दी सेवानिवृत्ति का अनुरोध करता है और वो अपनी माँ के करीब रहना चाहता है जो स्टेज वीआई से पीड़ित है और अल्जाइमर जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बजाय नई दिल्ली में अपनी माँ के पास डेस्क जॉब की पेशकश की जिसके लिए वो सहमत है नंबर दो एक अस्थिर शांति नई दिल्ली भारत दूसरे अध्याय में विहान को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय में डेस्क की नौकरी करते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए दिखाया गया है यह खंड पठानकोट हमले का भी संक्षिप्त वर्णन है जिसमें जैस्मीन डी अल्मेडा नाम की एक नर्स को विहान की मां की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया है विहान की मुलाकात एक भारतीय वायुसेना के पायलट से होती है जिसका नाम फाइ फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और सीरत कौर जो अपने शहीद पिता को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है जो एक सैन्य अधिकारी थे जो एक हमले में मारे गए थे एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है वो उसे खोजता है और वो जैसमिन को अज्ञानता के लिए दोषी ठहराता है और जैसमीन को बताता है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है बिहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैसमिन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में प्रकट करती है फिल्म में दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों के खतरे के चलते स्पेशल फोर्सेज के जवानों के परिवारों को सुरक्षा क्यों दी गई थी नंबर तीन विड्स इंडिया विथ थाउजेंड कट्स उरी जम्मू कश्मीर भारत 18 सितंबर 2016 को चार भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी जम्मू कश्मीर में ब्रिगेड मुख्यालय पर भोर में हमला किया जिसमें नौ सैनिकों की नींद में मौत हो गई और आतंकवादी मारे जाते हैं लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट में के कारण मौत हो जाती है जिसे उन्हें जांच के लिए उठाया गया था विहान समेत पूरा परिवार तबाह हो जाता है और मंत्रालय ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फ़ैसला किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज ने सर्जिकल स्ट्राइक का सुझाव दिया और प्रधानमंत्री से जानने देते हैं और हड़ताल के लिए दस दिन का समय देते हैं और बिहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उधमपुर में उरी कमान के वेश के लिए रवाना होता है वो थल सेना अध्यक्ष जनरल अर्जुन सिंह के राजा से अनुरोध करता है कि वो उसे ऑपरेशन में उसे गिने जिसे वो सहमत है विहान बिहार रेजिमेंट और विशेष बलों साथ के साथ डोंगरा रेजिमेंट के इलेक्ट घटक फोर्स कमांडो को चुना गया था क्योंकि हमले में मारे गए अधिकांश सैनिक इन रेजिमेंट से थे विहान उन्हें सूचित करता है कि वे जब अपने फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते और मिशन का नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में छिपाते हैं कमांडो अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं नंबर नंबर चार नया हिंदुस्तान न्यू इंडिया नई दिल्ली भारत योजना के दौरान गोविंद ने इसरो उपग्रह चित्र प्रदान करने के लिए डीआरडीओ ड्रोन निगरानी के लिए और राय खुफिया जानकारी के लिए जोड़ा है जब वो डीआरडीओ प्रमुख बयान डिसूजा से मिलने जाते हैं तो उसे ईशान नाम के एक रिटर्न से मिलने का मौका मिलता है जिसने गरु नामक एक ड्रोन विकसित किया है जो दिखाता है कि एक ईगल की तरह आकार का है और ड्रोन और सैटेलाइट इमेज की मदद से वह आतंकवादियों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप की सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं जैसमिन ने विहान को पल्लवी शर्मा के रूप में अपना असली नाम बताया और निकाली की हमले की योजना किसने बनाई वही सीरत को अपना पायलट चुनता है जो पूरे दिल से सहमत है गोविंद ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तोप रखने की गोलाबाजी तेज करने और हमले करने वाले हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी वायुसेना के चिन्हों से रंगने का सुझाव भी देते हैं कमांडो भी बिहान के अधीन प्रशिक्षण शुरू करते हैं और पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय गतिविधियों पर संदेह करते हैं लेकिन कम आंकने के कारण उन्हें खारिज कर देते हैं नंबर पाँच हड़ताल पी ओ के पाकिस्तान अट्ठाईस सितंबर की रात को कमांडो एम आई सत्रह हेलीकॉप्टरों में अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमले के लिए रवाना होते हैं मिशन के दौरान बिहान हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान में जासूसों की नवीनतम खुफिया जानकारी के के कारण नियंत्रण रेखा को पार नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली एडब्ल्यू प्रारंभिक चेतावनी रडार आधिकारिक तैनात की है और उस क्षेत्र में उनके हेलीकॉप्टर नीचे लाने के लिए वो उनकी टीम एक गुफा के माध्यम से पैदल चलकर सुधार करती है जो अंधेरे और अन्य आतंकवादियों की अज्ञात उपस्थिति के कारण बहुत जोखिम भरा था उनकी टीम ने सफलतापूर्वक घुसपैठ की और दो लंच पैड पर भी सभी आतंकवादियों को मार गिराया इसी तरह अन्य कमांडो दल भी सभी आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाब होते हैं बिहान इदरीस और जब्बार को मार देते हैं तो उरी हमले के आपराधी पुलिस को सतर्क कर दिया जाता है और कमांडो जिनके पास गोला बारूद और समय कम होता है बच निकलते हैं वापस लौटते समय पास के मशीन गन बंकर और पाकिस्तानी वायुसेना के एमआई सत्रह दोनों से भरी गोलाबारी की जाती है हेलीकॉप्टर जिसे विहान की टीम को रोकने के लिए लगाया जाता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत पाकिस्तानी गनपिस पर वापस फायरिंग करके उनके बचाव में आती हैं इस प्रकार इसे दूर भागती हैं और मिशन गन बंकर को नष्ट कर देती हैं उनकी टीम ने बिना किसी हताहत के भारतीय सीमा में नियंत्रण रेखा को सफलतापूर्वक पार किया और सौंपी गई बाकी टीमें भी सफल और बिना किसी हताहत के वापस आई और बिहान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हिडन वायुसेना स्टेशन पर बढ़ता है फिल्म उसके साथ समाप्त होती है पल्लवी गोविंद और कमांडो खुशी से प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक रात्रि भोज करते हैं क्रेडिट के बाद दृश्य में पाकिस्तान के एक मंत्री जमीर जागते हैं और भारत की सफल सर्जिकल स्ट्राइक की खबर देखते हुए हताहत में चिल्लाते हैं दृश्य जय हिंद पढ़ते हुए एक शीर्षक कार्ड में कट जाता है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में तो विक्की कौशल मेजर विहान सिंह के रूप में हैं और परेश रावल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज के रूप में हैं अजीत डोभाल पर आधारित चित्रित फिल्म है तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रजित कपूर नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म पर हैं और राजवीर चौहान हैं यामी गौतम जैसमिन डी अल्मेडा पल्लवी शर्मा एक अंडरकवर कवर एजेंट के रूप में हैं कीर्ति कुल्हारी हैं और मेजर करण कश्यप के रूप में मोहित रैना और बिहान के बहनोई हैं और ईशान वट्टल के रूप में आकाशदीप अरोड़ा हैं और मानसी पखस हैं और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में योगेश रोमन रविंदर हैं और स्वरूप संपत विहान की मां सुहासनी शेरगिल के रूप में हैं शिशिर शर्मा सी ओ एस जनरल अर्जुन सिंह राजावत के रूप में हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अजय गरेवाल के रूप में सत्यजीत शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा सी उत्तरी कमान पर आधारित है सुहानी कश्यप बिहान की भतीजी के रूप में रीवा अरोड़ा हैं और दारिया के रूप में हैं पदम भोला हैं और नवजीत तेज हुद्दल भारत के गृह मंत्री के रूप में हैं और ब्रैंड सूजा डीआरडीओ के रूप में हैं और कमाल मलिक पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के रूप में हैं और सुखविंदर चहल हैं और उज्जवल चोपड़ा हैं और कौशल रेहान हैं अब्रार जहूर इद्रिस खान के रूप में हैं राकेश वेदी वरिष्ठ पाकिस्तानी हैं और अजीत हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में आमिर यासीन हैं आदर्श गौतम अफजल लतीफ एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी के रूप में हैं जमीर के रूप में अनिल जार्ज एक पाकिस्तानी मंत्री हैं इसे सितंबर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक के एक साल बाद उरी की घोषणा निर्माता रानी स्क्रूवाला ने की थी फिल्म का निर्देशन नवोदित आदित्य धर द्वारा किया जाना था उन्होंने कहा कि फिल्म उन ग्यारह फिल्म दिनों में जो होने की कल्पना की गई थी उसकी कहानी है मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई और सितंबर में समाप्त हुई कौशल ने पाँच महीने तक व्यापक सैन्य प्रशिक्षण लिया और वजन बढ़ाया उन्होंने सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दिन में पाँच घंटे और तीन से चार घंटे सैन्य प्रशिक्षण लिया उन्होंने मुंबई में परेड में नौसेना वेश में बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया उन्होंने इसे शारीरिक रूप से मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म कहा इसमें एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय उनके हाथ में चोट लग गई थी कौशल और सहायक कलाकारों ने मुंबई के नेवी नगर में कैप्टन और मेजर के साथ प्रशिक्षण लिया जिसमें उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद और अन्य अभ्यासों का उपयोग करना सिखाया गया उरी की ज़्यादातर शूटिंग सार्बिया में हुई थी और पूरी मुंबई में हुई थी भारत पाकिना एल ओ और सैन्य चौकियों और आतंकवादी शिविरों जैसे अन्य क्षेत्रों को सार्बिया में फिर से बनाया गया था यामी गौतम ने मिश्रित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण उन्होंने शूटिंग की प्रतिक्रिया को थकाऊ लेकिन आनंददायक बताया फिल्म में परेश रावल मोहित रैना इवान डोगिस और कीर्ति कुल्हारी भी हैं स्क्रूवाला ने कहा है कि फिल्म में सच्ची कहानी पर आधारित युद्ध एक्शन और रणनीति के तत्व हैं भारतीय दर्शकों ने अभी तक सिनेमा में ऐसा अनुभव नहीं देखा यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी फिल्म को 19 मार्च 2019 को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से प्रीमियर किया गया था और पायरेसी को रोकने के लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्माताओं ने फिल्म के 3.8 गीगाबाइट नकली संस्करण को तैनात किया गया था टोरेंट जैसे नेटवर्क हालांकि रिलीज के एक सप्ताह के भीतर फिल्म को बूट लेग तमिल तमिलकरस द्वारा लीक कर दिया गया था फिल्म को तेलुगु डब संस्करण 14 जून 2019 को इसी नाम से जारी किया गया था इस फिल्म के स्कोर और गाने सशस्त सचदेव द्वारा रचित और निर्मित किए गए थे कुमार राजशेखर और अभिरुचि चंद गीतकार थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल पाँच गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक छल्ला मैं लड़ जाना इसको रोमी विक्की ने गाया है और हरिहरन और सचदेव ने गाया है नंबर दो बेह चला इसे राजशेखर और सचदेव ने गाया है नंबर तीन जिगरा इसको सिद्धार्थ और बसुर सशस्त सचदेव ने गाया है नंबर चार मंजार है ए नाया इसे शांतनु सुदामे और सशस्त्र सचदेव ने गाया है नंबर पाँच जग्गा जिते इसको डॉलर मेहंदी और, और सच्चा सचदेव ने गाया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को इस फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं रानी टोमेटोजर फिल्म की तेरह समीक्षाओं के आधार पर बासठ परसेंट की स्वीकृत रेटिंग है और द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा है कि राजनीतिक विभाजन का कोई भी पक्ष खड़ा हो सकता है कोई धर्म की चतुरता और शिल्प को खारिज नहीं कर सकता और सेना अधिकारी के रूप में बिक्की कौशल शानदार थे टाइम्स न्यूज के अमान खुराना पाँच में से चार स्टार देते हुए टिप्पणी करते हैं कि उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक एक परिपक्व फिल्म है किसी तरह ये जानती है कि यह उस दशक को ध्यान में रख रही है जो वर्दी में पुरुषों को देखकर थक गया है जो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी छाती पीटते हैं और देश के लिए जुनून उनका आगे कहना है कि शानदार सिनेमाटोग्राफी और बी एफ एक्स का काम यह सुनिश्चित करते हैं कि वरी द सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के कार्मिक बुक खाते के रूप में पर ृत ना हो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक बार देखने लायक अच्छी फिल्म है अगर किसी और चीज के लिए नहीं हो तो बिक्की कौशल के लिए देखें जो अपनी भूमिका में सही मात्रा में तीव्रता लाते हैं और फिल्म को शुरू से अंत तक चलाते हैं तरण आदर्श फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं और लिखा है कि उनका कहना है कि उरी एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना चाहिए कहानी को सहमति करने वाला शानदार ढंग से निष्पादित करने और के दृश्य कौशल निर्देशन धर उरी रोमांचकारी मनोरंजक है और देशभक्ति की भावना जागती है बिना राष्ट्रवादी बने न्यूज 18 के राजीव मसंद ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिए हैं और कहा है कि विक्की कौशल नायक के रूप में विशेष रूप से अच्छे रूप में है जो सेना के हर व्यक्ति को देखते हैं इस तरह के फौलादी दृढ़ संकल्प की जरूरत है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने कहा है कि फिल्म तथ्य और कल्पना के बीच वैकल्पिक है युद्ध की किरकिरी री रिएक्शन और टॉप गन शैली हेलीकॉप्टरों से बाहर निकलने वाले सैनिकों के स्लो मोशन शॉट के बीच है पहली छमाही के लिए आदित्य इस तंग का प्रबंधन करते हैं जहाँ डी ओ मीरा चंदानी के मजबूत काम से सहायता प्राप्त रोक व कुशलता से कहानी कहने का पैमाना है और कथा की धड़कन अनुमानित लेकिन संतोषजनक है लेकिन स्थानों पर कथानक को सरल पाया और हिंदुस्तान टाइम के राजा सेन ने फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और उरी एक बहुत अच्छी दिखने वाली फिल्म है हालांकि सिनेमाटोग्राफर को रात के युद्ध के हर एक शॉट में लेंस प्लेयर को लालाइट करने के लिए कहा गया था जबकि एक्शन पूरी तरह से शानदार है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने ओपनिंग वीकेंड में घरेलू सर्किट में पैंतीस पॉइंट तिहत्तर करोड़ की कमाई की और पहले सप्ताह में फिल्म ने भारत में सत्तर पॉइंट चौरानबे करोड़ का कलेक्शन किया था इसने भारत से तीन करोड़ और विदेशों से उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस सेवन पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की जिसने दुनिया भर में सकल संग्रह में तीन सौ उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस छियालीस मिलियन हो गया था फिल्म ने अपनी रिलीज के आठ दिन सकल संग्रह में सौ करोड़ यूएस एस तेरह मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था और दो करोड़ यूएस 27 मिलियन की कमाई करने में पंद्रह दिन लगे और रिलीज के चौथे सप्ताह में इसने 300 करोड़ यूएस 40 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 342 करोड़ यूएस 46 मिलियन की कमाई करने से इसे सात सप्ताह का समय लगा था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है जिसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर यह फिल्म 5 मार्च 2019 को उस तारीख का बॉलीवुड से निर्मित दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म में नायक कौशल द्वारा अभिनीत अपने दस्ते से पूछताछ और हाउ इज द जोश हाउ इज द स्परिस्ट के लिए हिंग्लिश दस्ते का जवाब है हाई सर यह प्रश्न भारत में सैन्य अकादमियों के कैडेट में उनके उत्साह को परखने के लिए पूछा जाता है संवाद भारती सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है है अंत में एक घटना बन गया संवाद को कई व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा उद्धत किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय फिल्म प्रभाग के भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए समारोह में भाग लेने वाली फिल्म बिरादरी को अपने संबोधन की शुरुआत में यह सवाल पूछा कि भारतीय विकेट टीम ने न्यूजीलैंड में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के बाद हाउ इज द जोश आगामी ट्वेंटी टू श्रृंखला के लिए और मुंबई पुलिस ने साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नारे का इस्तेमाल किया निर्देशक आदित्य धर स्टारकास्ट विक्की यामी गौतम प्रेस रावल कुर्तिक कुल्हारी और मोहित रैना विकी कौशल स्टार फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म आज रिलीज हुई है इस फिल्म की कहानी उस घटना पर आधारित है जिसने भारतीय फिल्मों के मन में एक बार फिर देशभक्ति जगा दी है फिल्म उरी हमले में हमारे भारतीय सेना के शौर्य की गाथा को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है बता दें अठारह सितंबर दो को जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी सेना कैंप पर हमला हुआ था इसी आतंकी हमले को सबसे कायराना आतंकी हमलों में गिना जाता है क्योंकि यह हमला कैंप में चैन की नींद सो रहे सेना के जवानों पर हुआ था भारतीय सेना के 19 जवानों को सोते हुए जिंदा जला दिया गया था इसी का बदला भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लिया गया और फिल्म सेना के इसी मिशन पर आधारित है इस फिल्म में बिकी कौशल यामी गौतम परेश रावल मोहित रैना रजित कपूर मुख्य किरदारों में हैं फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है फिल्म में एक्टर रजित कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं वही परिस सुरक्षा सलाहकार और अजीत डोभाल के किरदार में दिखाई दे रहे हैं तो उरी सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी फिल्म की कहानी बिक्की कौशल और मोहित रैना के मिशन से शुरू होती है जिसे साल 2015 में मणिपुर सेना के काफिले पर हुए हमले से कहानी की शुरुआत होती है और इसके बाद इसे जनवरी 2016 में हुए गुरदासपुर अटैक की कहानी दिखाई जाती है फिल्म की पूरी कहानी आर्मी के ऑफिसर विक्की कौशल और मोहित रैना के इर्द गिर्द घूमती है ये दोनों ही भारतीय सेना के जवान हैं जो खास तरह से ट्रेड हैं और खास मिशन को अंजाम देते हैं विक्की ऐसे जवान हैं जो प्लानिंग में हर में माहिर हैं और उनके अब तक के ऑपरेशन में कोई उन्हें नहीं हरा पाया है लेकिन वो कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते सीमा बॉर्डर छोड़कर दिल्ली में अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं इसी बीच उन्हीं पर एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें सेना के उन्नीस जवान दोस्त और जीजा मोहित रहना यहाँ से पनपता है और जवानों के दिलों में आतंकवादियों से बदला लेने का आक्रोश होता है इसी आतंकी हमले का बदला लेने की प्लानिंग सुरक्षा सलाहकार देश के पीएम से करते हैं इसी नाम दिया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक पीएम इसे मान लेते हैं साथ ही वो आदेश देते हैं कि पीएम को इस ऑपरेशन से जुड़ी हर अपडेट दी जाए इसके बाद विक्की कौशल एक रणनीति बनाते हैं और इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार करते हैं यहाँ से शुरू होता है सबसे कठिन सफ़र सर्जिकल स्ट्राइक जवान एक एक कर सभी ने उन सैनिकों की मौत का बदला लेते हैं इसमें इसमें इंटेलिजेंट्स ऑफिसर यामी गौतम और वायु सेना की कमांडर कीर्ति कुल्हाड़ी भी उनकी मदद करती हैं विक्की कौशल से लेकर यामी गौतम सभी ने शानदार एक्टिंग की है फिल्म को देखकर एक बार फिर देशभक्ति आपके मन में जाग उठेगी कहानी के अंत तक लोगों को बांधे रखती है फिल्म का दूसरा भाग पहले से ज़्यादा रोमांचकारी रहा कुल मिलाकर अगर फिल्म की एडिटिंग से लेकर निर्देशन तक सब कुछ देखा जाए तो पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरह से पूरी फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए गए हैं हालांकि जनता फिल्म को कितना पसंद करती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ही मालूम चल जाता है कि इस फिल्म का विषय क्या है और इसमें क्या दिखाया गया है सबसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सितंबर दो में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया जिसके चर्चे महीनों तक होते रहे इस घटना को आप कैसे अंजाम दिया गया और यह निर्देशक आदित्य धन ने अपनी फिल्म के जरिए कैसे दिखाया तो आदित्य को लगा कि वे केवल इस घटना पर ही पूरी फिल्म बना सकते हैं इसीलिए उन्होंने कुछ घटनाओं को फिल्म में जोड़ा जैसे कि फिल्म की शुरुआत में मणिपुर में आतंकवादियों को मार गिराने का घटनाक्रम दिखाया गया था मेजर विहान सिंह सेरगिल विकी कौशल उम्दा तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं उनके साथ करण कश्यप मोहित रैना भी इस मिशन में शामिल होते हैं जो कि विहान की बहन नेहा के पति हैं विहान की माँ बीमार है और उसके लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं पूरी कैम्प पर आतंकवादी हमला होता है और करण मारा जाता है इस हमले से पूरा देश गुस्से में है और प्रधानमंत्री इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती हैं बिहान को जब ये बात की पता चलता है तो वो इस मिशन में शामिल हो जाते हैं किस तरह से प्लान बनाया गया और किसकी मदद ली जाती है किसी तरह से इस मिशन को पूरा किया गया और यह फिल्म में प्रमुखता के साथ दिखाया गया है आदित्य धर ने ही स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने सेना के इस शौर्य गाथा को दिखाने के लिए थोड़ा नाटकीयता का सहारा भी लिया बीमार माँ शहीद की विधवा और जीजा की मौत का बदला जैसी भावनाओं को दर्शाया गया तो कुछ निरर्थक रोल भी देखने को मिलते हैं मिसाल के तौर पर यामी गौतम का किरदार आदित्य जिस घटना को थोड़ा विकृत में बताते हैं जो ज़्यादा समझ में आती है क्योंकि कई दर्शकों को इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है में कमी इस बात की महसूस होती है कि फिल्म में तनाव ही नहीं है एक इतने बड़े मिशन को देखते समय दर्शक रोमांच और तनाव महसूस करना चाहते हैं जो फिल्म में नादार्थ है फिल्म का दूसरा हाफ बेहतर है और आखिरी का आधा घंटा रोमांच से भरा है मशीन गन बहादुर सैनिक हेलीकॉप्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी और नाइट विज़न विडाइट सेम जैसे वार फिल्म के लिए ज़रूरी बातें यहाँ नज़र आती हैं जिसमें फिल्म देखने का मज़ा बढ़ जाता है क्योंकि यह एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है इसीलिए दर्शक और इसे विशेष जुड़ाव फिल्म में महसूस करते हैं और यही बात फिल्म में पूरे समय बांध कर रखती है आदित्य की इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि कुछ कमजोरियों के बावजूद वे दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखते हैं तो बिकी कौशल एक आर्मी मेजर की तरह लगे हैं उनका अभिनय सदा हुआ है खासतौर पर एक्शन दृश्यों में वे शानदार रहे हैं एन एस ए के चीफ गोविंद की भूमिका में परिश रावल जम रहे हैं छोटी सी भूमिका में मोहित रैना और असर छोड़ते हैं यामी गौतम और कीर्ति कुल्हारी को कम स्क्रीन टाइम मिला है प्रधानमंत्री के रोल में रजित कपूर असहज नजर आए हैं तो मितेश मीरा चंदानी को सिनेमाटोग्राफर शानदार है और फिल्म को एक अलग ही लुक देती हैं वे पैनिकर की एडिटिंग तारीफ के काबिल हैं उीदा सर्जिकल स्ट्राइक में बिक्की कौशल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है दर्शकों ने उनकी काफ़ी सराहनाएं की है तो बिक्की कौशल एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें पुरस्कार विजेता फिल्म मसान के लिए जाना जाता है उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था तो इनका जन्म सोलह मई उन्नीस को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनकी की शिक्षा राजीव गांधी इंडस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई है इनका व्यवसाय अभिनेता हैं और इनका कार्यकाल 2012 से वर्तमान तक इनकी जीवन साथी हैं कटरीना कैफ तो कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और रंट समन्वयक हैं वो स्मॉल डॉग मिनेवियर थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं बिक्की कौशल के भाई सनी कौशल भी फिल्म उद्योग से संबंधित हैं वो सहायक निर्देशक के रूप में गुंडे और माई फ्रेंड प्रिंटों में काम कर चुके हैं कौशल ने स्नातक की उपाधि एक इलेक्ट्रीशियन और दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त की है उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वो एक अभिनेता बनने की आकांक्षा रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए कौशल किशोर नामित कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए बिक्की कौशल ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लव सव के चिकन खुराना और बॉम्बे बेलबेट जैसी फिल्मों में छोटी सी भूमिकाएं निभाई 2010 में बिक्की कौशल ने अनुराग कश्यप को फिल्म ऑफ वासेपुर में सहायक भूमिका निभाने के लिए काम किया था। नीरज घयावन फिल्म में सहायक निर्देशक थे जब नीरज ने अपनी फिल्म मसान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियंस के लिए बुलाया गया था नीरज के अनुसार शुरू में वो आकांक्षा में थे क्योंकि कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी जबकि वो एक डेट पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है लेकिन ऑडियंस देखने के बाद वो उनकी क्षमता के बारे में अस्वस्थ हो गए थे कौशल की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 जार में जारी हुई और ये फिल्म एक युवा लड़के बिक्की कौशल की कहानी को बड़बड़ाने की बीमारी से ग्रस्त है उनकी अगली फिल्म राम राघव अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उन्होंने नशे की लत वाले किरदार को निभाया था बिक्की कौशल ने बाद में लव पर स्वेकवेयर और फुट और लस्ट स्टोरीज में भी काम किया है पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में यामी गौतम जी ने एक इंटेलिजेंट ब्यूरो का किरदार निभाया है उनके द्वारा निभाया गया किरदार दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो यामी गौतम हिंदी फिल्मों एवं धारावाहिकों की एक अभिनेत्री हैं इनका जन्म गौतम परिवार में हुआ है इनका जन्म अट्ठाईस नवम्बर उन्नीस को हिमाचल प्रदेश में हुआ था इनकी नागरिकता भारत है व्यवसाय अभिनेता और टेलीविजन अभिनेता हैं पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में परेश रावल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो परीश रावल एक और फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ भी हैं जो विशेष रूप से हिंदी फिल्मों और तेलुगु और कुछ गुजराती और कुछ तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वो दो से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्त करता है उन्होंने उन्नीस में उन्होंने छोकरी और सर फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए सबसे सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फेयर पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फेयर पुरस्कार मिला इसके बाद केतन मेहता का सरदार जिसने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाते देखा गया था एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई उन्होंने दो में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्होंने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट जैसे छना छणम उन्नीस मनी उन्नीस मनी मनी उन्नीस गोविंदा गोविंदा उन्नीस रिक्शा वोडू उन्नीस में वागरु बगुनारा उन्नीस में अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए पहचान प्राप्त की और हिंदी सिनेमा में उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियां नाम उन्नीस और शिवा उन्नीस मोहरा उन्नीस तमन्ना उन्नीस सौ छियानवे उन्नीस और टेबल नंबर 21 2013 और जिला गाजियाबाद 2013 है रावण ने हिंदी फिल्मों में कॉमेडी और कुछ गहन सहायक भूमिकाओं के साथ प्रशंसाएं प्राप्त की है क्योंकि उनकी कुछ उल्लेखनीय भूमिकाएं अंदाज अपना अपना उन्नीस चाची चार सौ और हेरा फेरी दो नायक 2001 आंखें 2002 में अमरा पागल दीवाना 2002 में हंगामा 2003 में प्रेस रावल ने सहायक भूमिका में उन्नीस की फिल्म अर्जुन से अपनी शुरुआत की वो दूरदर्शन टीवी सीरियल बंटे बिगड़ते कलाकारों का हिस्सा थे ये 1986 की ब्लैक बॉस्टर नाम थी जिसने उन्हें महान प्रतिभा वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया और वो फिर 1980 और 1990 के दशक में सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें ज़्यादातर मुख्य खलनायक के रूप में थी जैसे कि रूप की रानी चोरों का राजा कब्जा किंग अंकल रामलखन दौड़बाजी और भी बहुत कुछ 1990 के दशक में उन्होंने कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में भी अभिनय किया जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है राहुल को 2000 के बॉलीवुड कल्ट क्लासिक हेरा फेरी तक दर्शकों और आलोचकों दोनों द्वारा एक चरित्र अभिनेता के रूप में माना जाता है जिसके बाद उन्होंने मुख्य अभिनेता या मुख्य नायक के रूप में कई हिंदी मुख्य धारा की फिल्मों में भी अभिनय किया है परेश रावल ने फिल्म हेराफेरी में मंदबुद्धि उद्धाम और दयालु मराठी जमींदार बाबू राव गणपत राव अपटे की भूमिका निभाई जो राजू अक्षय कुमार और श्याम सुनील शेट्टी को अपने घर भुगतान के रूप में लेता है और फिल्म को मिली प्रमुख राष्ट्रव्यापी सफलता के लिए परेश रावल का अभिनय एक महत्वपूर्ण कारण था अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता उन्होंने फिल्म फेयर दो हजार दो, दो में एक उल्लेखनीय मुख्य भूमिका आई जब रावल ने अमिताभ बच्चन आदित्य पांचोली अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल और सुस्मिता सेन की अभिनीत हिट फिल्म आंखें में तीन अंधे बैंक लुटेरों में से एक का किरदार निभाया रावल ने 2000 के शेष के लिए मुख्य रूप से कॉमेडी उन्मुख मल्टी स्टारर में देखा गया था साल 2012 में रावल ने फिल्म ओमेजी, ओ माय गॉड में मुख्य भूमिका निभाई अक्षय कुमार को उनके समर्थन करते देखा गया था और दोनों ने अपनी भूमिकाओं के लिए शानदार समीक्षा प्राप्त की और उनका गुजराती नाटकों में भी एक बहुत ही सफल अभिनय करियर रहा नवीनतम नाटक डियर फादर टेलीविजन के लिए उन्होंने जी टीवी के तीन बहुरानिया सहारा वन में एक ए क्यों हूं जैसे कलर्स के ल, लागी तुझसे लगन सहित कई हिंदी सावनों का निर्माण किया उनकी नवीनतम उल्लेखनीय रिलीज रणवीर कपूर के साथ राजकुमार हिरानी की संजू है और फिल्म में अभिनेता सुनील दत्त की भूमिका निभा रहे हैं वो हेरा फेरी थ्री में बाबू गणपतराव अपटे के रूप में अपनी भूमिका को दोहरा रहे हैं और दो में रिलीज होने वाली लेकिन मई दो तक होल्ड है जिसे दस सितम्बर दो को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के प्रमुख रूप से नियुक्त किया गया है दो में परेश रावल स्पोर्ट ड्रामा तूफान में दिखाई दिए जो राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित एक फिल्म है जिसमें फराह अख्तर और राष्ट्रीय स्तर के मुख्यबाज की भूमिका निभा रहे हैं ये फिल्म दुनिया भर में 16 जुलाई 2021 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की गई थी उनकी अन्य आगामी फिल्में आंख आग मिचौली शहजादा हेराफेरी द स्टोरी टेलर जिसमें वे सत्यजीत रे के प्रसिद्ध चरित्र तारिणी खुरो की चरित्र को करेंगे एक काल्पनिक रूप से नाटकीय वर्णन फिल्म में बिक्की कौशल के साथ यामी गौतम मोहिन रैना कीर्ति कुल्हारी और परीश रावल प्रमुख भूमिकाओं में हैं और कर्नल कपिल यादव की कहानी कहते हैं कौशल का पैरा तो जिन्होंने घटनाओं में अग्रणी भूमिका निभाई है तो फैंस इस फिल्म को निर्देशित किया है आदित्य धर ने और इस फिल्म को लिखा है आदित्य धर और इसको उत्पादित किया है रोनी स्कीवाला ने और फैंस इस मूवी को अभिनित किया है बिक्की कौशल यामी गौतम मोहित रैना और कीर्ति कुल्हारी और परेश रावल जी ने तो फैंस इस फिल्म का छायांकन किया है मितेश ने तो फैंस इस फिल्म को संपादित किया है शिव कुमार बी पड़िकर ने और इस फिल्म में संगीत दिया है सचदेव ने अपने संगीत को दिया है प्रोडक्शन कंपनी है आर एस पी बी और इस फिल्म को वितरित किया है आर एस पी बी ने और इसकी कार्यकारिणी समय है 138 मिनट तो फ्रेंड्स यह मूवी 11 जनवरी 2019 को देश भारत भाषा हिंदी में रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स अगर हम इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट था 25 करोड़ अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तीन करोड़ का था तो रानी स्क्रूवाला ने 2016 की भारतीय नियंत्रण रेखा की हड़ताल के एक साल बाद सितंबर 2017 में ही फिल्म की घोषणा की इसकी मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में सार्बिया में शुरू हुई जहां सितंबर में मुंबई में समाप्त होने से पहले इसे मुख्य रूप से शूट किया गया था यह 11 जनवरी 2019 को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से आलोचकों की प्रशंसा के लिए जारी किया गया था जिसमें कलाकार पठक कथा एक्शन दृश्यों और डिजाइन निर्देशन और तकनीकी पहलुओं के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है और चार राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार सहित विभिन्न प्रशंसा प्राप्त कर करता भी है तो इसे 25 करोड़ के बजट पर बनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया भर में तीन करोड़ यूएस 46 मिलियन की कमाई की और यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली वनतुषि भारतीय फिल्म बन गई है और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा ब्लैक घोषित किया गया था पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को फिल्म को पाँच अध्यायों में बांटा गया है द सेवन सिस्टर्स इसे उत्तर पूर्व भारत में तो पहला अध्याय जून 2015 में एन एस सी एन के उग्रवादियों द्वारा चंदेल मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला करने के साथ शुरू होता है जवाबी कार्रवाई में एक पैरा एसएफ अधिकारी मेजर विहान सिंह शेरगिल और उनकी यूनिट जिसमें उनके बहनोई मेजर करण कश्यप शामिल हैं और घुसपैठ करते हैं और पूर्वोत्तर के उग्रवादियों पर हमला करते हैं और घात के लिए जिम्मेदार प्रमुख नेता को भी मार डालते हैं एक सफल हड़ताल के बाद भारत की प्रधानमंत्री ने औपचारिक रात्रि भोज में उन्हें और पूरी यूनिट को बधाई दी विहान जल्दी सेवानिवृत्ति का अनुरोध करता है और वो वो अपनी माँ के करीब रहना चाहता है जो स्टेज वी से पीड़ित है और अल्जाइमर जिस पर प्रधानमंत्री ने उन्हें सेवानिवृत्ति के बजाय नई दिल्ली में अपनी माँ के पास डेस्क जॉब की पेशकश की जिसके लिए वो सहमत है नंबर दो एक अस्थिर शांति नई दिल्ली भारत दूसरे अध्याय में विहान को नई दिल्ली में एकीकृत रक्षा कर्मचारी मुख्यालय में डेस्क की नौकरी करते हुए और अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए दिखाया गया है यह खंड पठानकोट हमले का भी संक्षिप्त वर्णन है जिसमें जैस्मीन डी अल्मेडा नाम की एक नर्स को विहान की मां की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा गया है विहान की मुलाकात एक भारतीय वायुसेना के पायलट से होती है जिसका नाम फाइ फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और सीरत कौर जो अपने शहीद पिता को देशभक्ति साबित करने की कोशिश कर रही है जो एक सैन्य अधिकारी थे जो एक हमले में मारे गए थे एक दिन उसकी माँ लापता हो जाती है वो उसे खोजता है और वो जैसमिन को अज्ञानता के लिए दोषी ठहराता है और जैसमीन को बताता है कि उसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है बिहान की माँ एक पुल के नीचे पाई जाती है और जैसमीन खुद को एक खुफिया एजेंट के रूप में प्रकट करती है में दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों के खतरे के चलते स्पेशल फोर्सेज के जवानों के परिवारों को सुरक्षा क्यों दी गई थी नंबर तीन विड्स इंडिया विथ थाउजेंड कट्स उरी जम्मू कश्मीर भारत 18 सितंबर दो हज़ार सोलह को चार भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उरी जम्मू कश्मीर में ब्रिगेड मुख्यालय पर भोर में हमला किया जिसमें नौ सैनिकों की नींद में मौत हो गई और आतंकवादी मारे जाते हैं लेकिन आतंकवादी की राइफल से जुड़ी पिन को गलती से खींचने के कारण ग्रेनेड विस्फोट में के कारण मौत हो जाती है जिसे उन्हें जांच के लिए उठाया गया था विहान समेत पूरा परिवार तबाह हो जाता है और मंत्रालय ने हमले के अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज ने सर्जिकल स्ट्राइक का सुझाव दिया और प्रधानमंत्री से जानने देते हैं और हड़ताल के लिए दस दिन का समय देते हैं और बिहान अपनी डेस्क की नौकरी छोड़कर उधमपुर में उरी कमान केवेश के लिए रवाना होता है वो थल सेना अध्यक्ष जनरल अर्जुन सिंह के राजावत से अनुरोध करता है कि वो उसे ऑपरेशन में उसे गिने जिसे वो सहमत है विहान बिहार रेजिमेंट और विशेष बलों साथ के साथ डोंगरा रेजिमेंट के इलेक्ट घटक फोर्स कमांडो को चुना गया था क्योंकि हमले में मारे गए अधिकांश सैनिक इन रेजिमेंट से थे विहान उन्हें सूचित करता है कि वे जब अपने फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकते और मिशन का नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में छिपाते हैं कमांडो अपना प्रशिक्षण शुरू करते हैं नंबर नंबर चार नया हिंदुस्तान न्यू इंडिया नई दिल्ली भारत योजना के दौरान गोविंद ने इसरो उपग्रह चित्र प्रदान करने के लिए डीआरडीओ ड्रोन निगरानी के लिए और राय खुफिया जानकारी के लिए जोड़ा है जब वो डीआरडीओ प्रमुख बयान डिसूजा से मिलने जाते हैं तो उसे ईसान नाम के एक रिटर्न से मिलने का मौका मिलता है जिसने गरु नामक एक ड्रोन विकसित किया है जो दिखाता है कि एक ईगल की तरह आकार का है और ड्रोन और सैटेलाइट इमेज की मदद से वह आतंकवादियों के ठिकाने और ट्रेनिंग कैंप की सही लोकेशन का पता लगा सकते हैं जैसमिन ने विहान को पल्लवी शर्मा के रूप में अपना असली नाम बताया और निकाली की हमले की योजना किसने बनाई वही सीरत को अपना पायलट चुनता है जो पूरे दिल से सहमत है गोविंद ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तोप रखने की गोलाबाजी तेज करने और हमले करने वाले हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी वायुसेना के चिन्हों से रंगने का सुझाव भी देते हैं कमांडो भी बिहान के अधीन प्रशिक्षण शुरू करते हैं और पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय गतिविधियों पर संदेह करते हैं लेकिन कम आंकने के कारण उन्हें खारिज कर देते हैं नंबर पाँच हड़ताल पी ओ के पाकिस्तान अट्ठाईस सितंबर की रात को कमांडो एम आई सत्रह हेलीकॉप्टरों में अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हमले के लिए रवाना होते हैं मिशन के दौरान बिहान के हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान में जासूसों की नवीनतम खुफिया जानकारी के कारण नियंत्रण रेखा को पार नहीं करने के लिए मजबूर किया गया है की पाकिस्तानी सेना ने मुजफ्फराबाद से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ए डब्ल्यू ए सी प्रारंभिक चेतावनी रडार आधिकारिक तैनात की है और उस क्षेत्र में उनके हेलीकॉप्टर नीचे लाने के लिए वो उनकी टीम एक गुफा के माध्यम से पैदल चलकर सुधार करती है जो अंधेरे और अन्य आतंकवादियों की अज्ञात उपस्थिति के कारण बहुत जोखिम भरा था उनकी टीम ने सफलतापूर्वक घुसपैठ की और दो लांच पैड पर भी सभी आतंकवादियों को मार गिराया इसी तरह अन्य कमांडो दल भी सभी आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाब होते हैं बिहान इदरीस और जब्बार को मार देते हैं तो उरी हमले के अपराधी हैं स्थानीय पुलिस को सतर्क कर दिया जाता है और कमांडो जिनके पास गोला बारूद और समय कम होता है बच निकलते हैं वापस लौटते समय पास के मशीन गन बंकर और पाकिस्तानी वायुसेना के एम आई दोनों से भरी गोलाबारी की जाती है हेलीकॉप्टर जिसे विहान की टीम को रोकने के लिए लगाया जाता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत पाकिस्तानी गनपिस पर वापस फायरिंग करके उनके बचाव में आती हैं इस प्रकार इसे दूर भागती हैं और मिशन गन बंकर को नष्ट कर देती हैं उनकी टीम ने बिना किसी हताहत के भारतीय सीमा में नियंत्रण रेखा को सफलतापूर्वक पार किया और सौंपी गई बाकी टीमें भी सफल और बिना किसी हताहत के वापस आई और बिहान गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हिडन वायुसेना स्टेशन पर उतरता है फिल्म उसके साथ समाप्त होती है पल्लवी गोविंद और कमांडो खुशी से प्रधानमंत्री के साथ औपचारिक रात्रि भोज करते हैं क्रेडिट के बाद दृश्य में पाकिस्तान के एक मंत्री जमीर जागते हैं और भारत की सफल सर्जिकल स्ट्राइक की खबर देखते हुए हताहत में चिल्लाते हैं दृश्य जय हिंद पढ़ते हुए एक शीर्षक कार्ड में कट जाता है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल निभाया है तो उनके बारे में तो बिकी कौशल मेजर विहान सिंह के रूप में हैं और परेश रावल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गोविंद भारद्वाज के रूप में हैं अजीत डोभाल पर आधारित चित्रित फिल्म है तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रजित कपूर नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म पर हैं और राजवीर चौहान हैं यामी गौतम जैसमिन डी अल्मेडा पल्लवी शर्मा एक अंडरकवर कवर रा एजेंट के रूप में हैं, कीर्ति कुल्हारी हैं और मेजर करण कश्यप के रूप में मोहित रैना और बिहान के बहनोई हैं और ईशान वट्टल के रूप में आकाशदीप अरोड़ा हैं और मानसी पखस हैं और भारत के रक्षा मंत्री के रूप में योगेश रोमन रविंदर हैं और स्वरूप संपत विहान की मां सुहासनी शेरगिल के रूप में हैं शिशिर शर्मा सी ओ एस जनरल अर्जुन सिंह राजावत के रूप में हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अजय गरेवाल के रूप में सत्यजीत शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा सी उत्तरी कमान पर आधारित है सुहानी कश्यप बिहान की भतीजी के रूप में रीवा अरोड़ा हैं और दारिया के रूप में हैं पदम भोला हैं और नवजीत तेज हुडल भारत के गृह मंत्री के रूप में हैं और ब्रिया सूजा डी के रूप में हैं और कमाल मलिक पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री के रूप में हैं और सुखविंदर चहल हैं और उज्जवल चोपड़ा हैं और कौशल रेहान हैं अब्रार जहूर इद्रिस खान के रूप में हैं राकेश वेदी वरिष्ठ पाकिस्तानी हैं और अजीत हैं और पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में आमिर यासीन हैं आदर्श गौतम अफजल लतीफ एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी के रूप में हैं जमीर के रूप में अनिल जार्ज एक पाकिस्तानी मंत्री हैं इसे सितंबर 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक के एक साल बाद उरी की घोषणा निर्माता रानी स्क्रूवाला ने की थी फिल्म का निर्देशन नवोदित आदित्य धर द्वारा किया जाना था उन्होंने कहा कि फिल्म उन ग्यारह फिल्म दिनों में जो होने की कल्पना की गई थी उसकी कहानी है मुख्य फोटोग्राफी जून 2018 में शुरू हुई और सितंबर में समाप्त हुई कौशल ने पाँच महीने तक व्यापक सैन्य प्रशिक्षण लिया और वज़न बढ़ाया उन्होंने सहन शक्ति बढ़ाने के लिए दिन में पाँच घंटे और तीन से चार घंटे सैन्य प्रशिक्षण लिया उन्होंने मुंबई में परेड में नौसेना वेश में बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया उन्होंने इसे शारीरिक रूप से मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्म कहा इसमें एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माते समय उनके हाथ में चोट लग गई थी कौशल और सहायक कलाकारों ने मुंबई के नेवी नगर में कैप्टन और मेजर के साथ प्रशिक्षण लिया जिसमें उन्हें सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद और अन्य अभ्यासों का उपयोग करना सिखाया गया उरी की ज़्यादातर शूटिंग सार्बिया में हुई थी और पूरी मुंबई में हुई थी भारत पाकिना एल ओ और सैन्य चौकियों और आतंकवादी शिविरों जैसे अन्य क्षेत्रों को सार्बिया में फिर से बनाया गया था यामी गौतम ने मिश्रित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण उन्होंने शूटिंग की प्रतिक्रिया को थकाऊ लेकिन आनंददायक बताया फिल्म में परेश रावल मोहित रैना ईवांड डोगिस और कीर्ति कुल्हारी भी हैं स्क्रूवाला ने कहा है कि फिल्म में सच्ची कहानी पर आधारित युद्ध एक्शन और रणनीति के तत्व हैं भारतीय दर्शकों ने अभी तक सिनेमा में ऐसा अनुभव नहीं देखा यह फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी फिल्म को 19 मार्च 2019 को जी फाइव प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से प्रीमियर किया गया था और पायरेसी को रोकने के लिए उरीदा सर्जिकल स्ट्राइक के निर्माताओं ने फिल्म के 3.8 गीगाबाइट गीगा बाइट नकली संस्करण को तैनात किया गया था टोरेंट जैसे नेटवर्क हालांकि रिलीज के एक सप्ताह के भीतर फिल्म को बूट लेग तमिल तमिलकर्स द्वारा लीक कर दिया गया था फिल्म को तेलुगु डब संस्करण 14 जून 2019 को इसी नाम से जारी किया गया था इस फिल्म के स्कोर और गाने सशस्त सचदेव द्वारा रचित और निर्मित किए गए थे कुमार राजशेखर और अभिरुचि चंद गीतकार थे तो फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल पाँच गाने हैं जो इस प्रकार हैं नंबर एक छल्ला मैं लड़ जाना इसको रोमी विक्की ने गाया है और हरिहरन और सचदेव ने गाया है नंबर दो चला इसे राजशेखर और सचदेव ने गाया है नंबर तीन जिगरा इसको सिद्धार्थ और बसुर सशस्त सचदेव ने गाया है नंबर चार मंजार है ए नाया इसे शांतनु सुदामे और सशस्त्र सचदेव ने गाया है नंबर पाँच जग्गा जिते इसको डॉलर मेहंदी और, और सच्चा सचदेव ने गाया है पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी को इस फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुई हैं रानी टोमेटोज पर फिल्म की तेरह समीक्षाओं के आधार पर बासठ परसेंट की स्वीकृत रेटिंग है और द हिंदू के लिए लिखते हुए नम्रता जोशी ने कहा है कि राजनीतिक विभाजन का कोई भी पक्ष खड़ा हो सकता है कोई धर्म की चतुरता और शिल्प को खारिज नहीं कर सकता और सेना अधिकारी के रूप में बिक्की कौशल शानदार थे टाइम्स न्यूज के अमान पुराना पाँच में से चार स्टार देते हुए टिप्पणी करते हैं कि उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक एक परिपक्व फिल्म है किसी तरह ये जानती है कि यह उस दशक को ध्यान में रख रही है जो वर्दी में पुरुषों को देखकर थक गया है जो अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी छाती पीटते हैं और देश के लिए जुनून उनका आगे कहना है कि शानदार सिनेमाटियोग्राफी और बीएफएक्स का काम यह सुनिश्चित करते हैं कि उरीदा द सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के कार्मिक बुक खाते के रूप में पार ृत ना हो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक बार देखने लायक अच्छी फिल्म है अगर किसी और चीज के लिए नहीं हो तो बिक्की कौशल के लिए देखें जो अपनी भूमिका में सही मात्रा में तीव्रता लाते हैं और फिल्म को शुरू से अंत तक चलाते हैं तरण आदर्श फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं और लिखा है कि उनका कहना है कि उरी एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना चाहिए कहानी को सहमति करने वाला शानदार ढंग से निष्पादित करने और के दृश्य कौशल निर्देशन आदित्य धर उरी रोमांचकारी मनोरंजक है और देशभक्ति की भावना जागती है बिना राष्ट्रवादी बने न्यूज अट्ठारह के राजीव मसंद ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिए हैं और कहा है कि विक्की कौशल नायक के रूप में विशेष रूप से अच्छे रूप में है जो सेना के हर व्यक्ति को देखते हैं इस तरह के फौलादी दृढ़ संकल्प की जरूरत है फिल्म कंपेनियन की अनुपमा चोपड़ा ने कहा है कि फिल्म तथ्य और कल्पना के बीच वैकल्पिक है युद्ध की किरकिरी री, री और टॉप गन शैली हेलीकॉप्टरों से बाहर निकलने वाले सैनिकों के स्लो मोशन शॉट के बीच है पहली छमाही के लिए आदित्य इस तंग का प्रबंधन करती हैं जहाँ डी ओ पी मितेश मीरा चंदानी के मजबूत काम से सहायता प्राप्त रोक वा कुशलता से कहानी कहने का पैमाना है और कथा की धड़कन अनुमानित लेकिन संतोषजनक है लेकिन स्थानों पर कथानक को सरल पाया और हिंदुस्तान टाइम के राजा सेन ने फिल्म को पाँच में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिए हैं और उरी एक बहुत अच्छी दिखने वाली फिल्म है हालांकि सिनेमाटोग्राफर को रात के युद्ध के हर एक शॉट में लेंस प्लेयर को लालाइट करने के लिए कहा गया था जबकि एक्शन पूरी तरह से शानदार है तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने ओपनिंग वीकेंड में घरेलू सर्किट में पैंतीस पॉइंट तिहत्तर करोड़ की कमाई की और पहले सप्ताह में फिल्म ने भारत में सत्तर पॉइंट चौरानबे करोड़ का कलेक्शन किया था इसने भारत से तीन करोड़ और विदेशों से उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस सेवन पॉइंट फाइव मिलियन की कमाई की जिसने दुनिया भर में सकल संग्रह तीन सौ उनसठ पॉइंट तिहत्तर करोड़ यूएस एस छियालीस मिलियन हो गया था फिल्म ने अपनी रिलीज के आठ दिन सकल संग्रह में सौ करोड़ यूएस एस तेरह मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था और दो सौ करोड़ यूएस एस सत्ताईस मिलियन की कमाई करने में पंद्रह दिन लगे और रिलीज़ के चौथे सप्ताह में इसने तीन सौ करोड़ यूएस एस मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में तीन सौ बयालीस करोड़ यूएस एस छियालीस मिलियन की कमाई करने से इसे सात सप्ताह का समय लगा था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है जिसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आधार पर यह फिल्म 5 मार्च 2019 को उस तारीख का बॉलीवुड से निर्मित दसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी फिल्म में नायक कौशल द्वारा अभिनीत अपने दस्ते से पूछताछ और हाउ इज द जोश हाउ इज द स्परिस्ट के लिए हिंग्लिश दस्ते का जवाब है हाई सर यह प्रश्न भारत में सैन्य अकादमियों के कैडेट में उनके उत्साह को परखने के लिए पूछा जाता है संवाद भारती सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अंत में एक संस्कृति घटना बन गया है संवाद को कई व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा उद्धत किया गया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय फिल्म प्रभाग के भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए समारोह में भाग लेने वाली फिल्म बिरादरी को अपने संबोधन की शुरुआत में यह सवाल पूछा कि भारतीय विकेट टीम ने न्यूजीलैंड में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने के बाद हाउ इज द जोश आगामी ट्वेंटी टू श्रृंखला के लिए और मुंबई पुलिस ने साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नारे का इस्तेमाल किया निर्देशक आदित्य धर स्टार कास्ट विक्की कौशल यामी गौतम प्रेस रावल कुर्तिक कुल्हारी और मोहित रैना विक्की कौशल स्टार फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म आज रिलीज हुई है इस फिल्म की कहानी उस घटना पर आधारित है जिसने भारतीय फिल्मों के मन में एक बार फिर देशभक्ति जगा दी है फिल्म उरी हमले में हमारे भारतीय सेना के शौर्य की गाथा को दिखाने की एक छोटी सी कोशिश है बता दें 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में उरी सेना कैंप पर हमला हुआ था इसी आतंकी हमले को सबसे कायराना आतंकी हमलों में गिना जाता है क्योंकि ये हमला कैंप में चैन की नींद सो रहे सेना के जवानों पर हुआ था भारतीय सेना के 19 जवानों को सोते हुए जिंदा जला दिया गया था इसी का बदला भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए लिया गया और फिल्म सेना के इसी मिशन पर आधारित है इस फिल्म में विकी कौशल यामी गौतम परेश रावल मोहित रैना रजित कपूर मुख्य किरदारों में हैं फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है फिल्म में एक्टर रजित कपूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किरदार निभा रहे हैं वही परिस राव सुरक्षा सलाहकार और अजीत डोभाल के किरदार में दिखाई दे रहे हैं तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी फिल्म की कहानी विक्की कौशल और मोहित रैना के मिशन से शुरू होती है जिसे साल 2015 में मणिपुर सेना के काफिले पर हुए हमले से कहानी की शुरुआत होती है और इसके बाद इसे जनवरी 2016 में हुए गुरदासपुर अटैक की कहानी दिखाई जाती है फिल्म की पूरी कहानी आर्मी के ऑफिसर विक्की कौशल और मोहित रैना के इर्द गिर्द घूमती है ये दोनों ही भारतीय सेना के जवान हैं जो खास तरह से ट्रेड हैं और खास मिशन को अंजाम देते हैं विक्की ऐसे जवान हैं जो प्लानिंग में हर में माहिर हैं और उनके अब तक के ऑपरेशन में कोई उन्हें नहीं हरा पाया है लेकिन वो कुछ पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के चलते सीमा बॉर्डर छोड़कर दिल्ली में अपनी पोस्टिंग ले लेते हैं इसी बीच उरी पर एक बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसमें सेना के 19 जवान दोस्त और जीजा मोहित रैना यहां से पनपता है और जवानों के दिलों में आतंकवादियों से बदला लेने का आक्रोश होता है इसी आतंकी हमले का बदला लेने की प्लानिंग सुरक्षा सलाहकार देश के पीएम से करते हैं इसी नाम दिया जाता है सर्जिकल स्ट्राइक पीएम इसे मान लेते हैं साथ ही वो आदेश देते हैं कि पीएम को इस ऑपरेशन से जुड़ी हर अपडेट दी जाए इसके बाद विक्की कौशल एक रणनीति बनाते हैं और इस मिशन के लिए एक खास टीम तैयार करते हैं यहाँ से शुरू होता है सबसे कठिन सफ़र सर्जिकल स्ट्राइक जवान एक एक कर सभी ने उन सैनिकों की मौत का बदला लेते हैं इसमें इंटेलिजेंट्स ऑफिसर यामी गौतम और वायु सेना की कमांडर कीर्ति कुल्हाड़ी भी उनकी मदद करती हैं विक्की कौशल से लेकर यामी गौतम सभी ने शानदार एक्टिंग की है फिल्म को देखकर एक बार फिर देशभक्ति आपके मन में जाग उठेगी कहानी के अंत तक लोगों को बांधे रखती है फिल्म का दूसरा भाग पहले से ज़्यादा रोमांचकारी रहा कुल मिलाकर अगर फिल्म की एडिटिंग से लेकर निर्देशन तक सब कुछ देखा जाए तो पत्रिका एंटरटेनमेंट की तरह से पूरी फिल्म को पाँच में से चार स्टार दिए गए हैं हालांकि जनता फिल्म को कितना पसंद करती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से ही मालूम चल जाता है कि इस फिल्म का विषय क्या है और इसमें क्या दिखाया गया है सबसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है सितंबर दो में भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया जिसके चर्चे महीनों तक होते रहे इस घटना को आप कैसे अंजाम दिया गया और यह निर्देशक आदित्य धन ने अपनी फिल्म के जरिए कैसे दिखाया तो आदित्य को लगा कि वह केवल इस घटना पर ही पूरी फिल्म बना सकते हैं इसीलिए उन्होंने कुछ घटनाओं को फिल्म में जोड़ा जैसे कि फिल्म की शुरुआत में मणपुर में आतंकवादियों को मार गिराने का घटनाक्रम दिखाया गया था मेजर विहान सिंह शेरगिल विकी कौशल उमदा तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं उनके साथ करण कश्यप मोहित रैना भी इस मिशन में शामिल होते हैं जो कि विहान की बहन नेहा के पति हैं विहान की माँ बीमार है और उसके लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं पूरी काम पर आतंकवादी हमला होता है और करण मारा जाता है इस हमले से पूरा देश गुस्से में है और प्रधानमंत्री इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाती हैं बिहार को जब ये बात की पता चलता है तो वो इस मिशन में शामिल हो जाते हैं किस तरह से प्लान बनाया गया और किसकी मदद ली जाती है किसी तरह से इस मिशन को पूरा किया गया और यह फिल्म में प्रमुखता के साथ दिखाया गया है आदित्य धर ने ही स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने सेना के इस शौर्य गाथा को दिखाने के लिए थोड़ा नाटकीयता का सहारा भी लिया बीमार माँ शहीद की विधवा और जीजा की मौत का बदला जैसी भावनाओं को दर्शाया गया तो कुछ निरर्थक रोल भी देखने को मिलते हैं मिसाल के तौर पर यामी गौतम का किरदार आदित्य जिस घटना को थोड़ा विकृत में बताते हैं जो ज़्यादा समझ में आती है क्योंकि कई दर्शकों को इसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है फिल्म में कमी इस बात की महसूस होती है कि फिल्म में तनाव ही नहीं है एक इतने बड़े मिशन को देखते समय दर्शक रोमांच और तनाव महसूस करना चाहते हैं जो फिल्म में नदार्थ है फिल्म का दूसरा हाफ बेहतर है और आखिरी का आधा घंटा रोमांच से भरा है मशीन गन बहादुर सैनिक हेलीकाप्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी और नाइट विजन विडाइट सेम जैसे वार फिल्म के लिए जरूरी बातें यहाँ नजर आती हैं जिसमें फिल्म देखने का मज़ा बढ़ जाता है क्योंकि यह एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है इसीलिए दर्शक और इसे विशेष जुड़ाव फिल्म में महसूस करते हैं और यही बात फिल्म में पूरे समय बांध कर रखती है आदित्य की इस बात के लिए तारीफ की जा सकती है कि कुछ कमजोरियों के बावजूद वे दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखते हैं तो बिकी कौशल एक आर्मी मेजर की तरह लगे हैं उनका अभिनय सधा हुआ है खासतौर पर एक्शन दृश्यों में वे शानदार रहे हैं एन एस ए के चीफ गोविंद की भूमिका में परीश रावल जम रहे हैं छोटी सी भूमिका में मोहित रैना और असर छोड़ते हैं यामी गौतम और कीर्ति कुल्हारी को कम स्क्रीन टाइम मिला है प्रधानमंत्री के रोल में रजित कपूर असहज नजर आए हैं तो मितेश मीरा चंदानी को सिनेमेटोग्राफर शानदार है और फिल्म को एक अलग ही लुक देती हैं वे पैनिकर की एडिटिंग तारीफ के काबिल हैं द सर्जिकल स्ट्राइक में बिक्की कौशल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है उनकी द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है दर्शकों ने उनकी काफ़ी सराहनाएँ की है तो बिक्की कौशल एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जिन्हें पुरस्कार विजेता फिल्म मसान के लिए जाना जाता है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था तो इनका जन्म 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में इनका जन्म हुआ है इनकी शिक्षा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हुई है इनका व्यवसाय अभिनेता हैं और इनका कार्यकाल 2012 से वर्तमान तक इनकी जीवनसाथी हैं कटरीना कैफ तो कौशल के पिता श्याम कौशल एक बॉलीवुड एक्शन निर्देशक और रंट समन्वयक हैं वो स्मॉल डॉग मिनेरियर थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं बिक्की कौशल के भाई सनी कौशल भी फिल्म उद्योग से संबंधित हैं वो सहायक निर्देशक के रूप में गुंडे और माई फ्रेंड प्रिंटों में काम कर चुके हैं कौशल ने स्नातक की उपाधि एक इलेक्ट्रीशियन और दूरसंचार इंजीनियर के रूप में 2009 में प्राप्त की है उनके पास नौकरी करने का मौका था लेकिन वो एक अभिनेता बनने की आकांक्षा रखते थे और रंगमंच के साथ जुड़ गए कौशल किशोर नामित कपूर की एक अभिनय कार्यशाला में शामिल हो गए बिक्की कौशल ने एक लघु फिल्म गीक आउट के अलावा लव सव के चिकन खुराना और बॉम्बे बेलबेट जैसी फिल्मों में छोटी सी भूमिकाएं निभाई दो 2010 में बिक्की कौशल ने अनुराग कश्यप को फिल्म ऑफ वासेपुर में भूमिका निभाने के लिए काम किया था। नीरज फिल्म में सहायक निर्देशक थे जब नीरज ने अपनी फिल्म मसान पर काम करना शुरू किया तो कौशल को भी एक ऑडियंस के लिए बुलाया गया था नीरज के अनुसार शुरू में वो आकांक्षा में थे क्योंकि कौशल को बनारस जैसे एक छोटे से शहर के लड़के की भूमिका निभानी थी जबकि वो एक डेट पंजाबी पृष्ठभूमि से आया है लेकिन ऑडियंस देखने के बाद वो उनकी क्षमता के बारे में अस्वस्थ हो गए थे कौशल की दूसरी फिल्म जुबान मार्च 2016 जार में जारी हुई और ये फिल्म एक युवा लड़के बिक्की कौशल की कहानी को बड़बड़ाने की बीमारी से ग्रस्त है उनकी अगली फिल्म राम राघव अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म थी जिसमें उन्होंने नशे की लत वाले किरदार को निभाया था बिक्की कौशल ने बाद में लव पर स्वेकवेयर और फुट और लस्ट स्टोरीज में भी काम किया है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में यामी गौतम जी ने एक इंटेलिजेंट ब्यूरो का किरदार निभाया है उनके द्वारा निभाया गया किरदार दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था तो यामी गौतम हिंदी फिल्मों एवं धारावाहिकों की एक अभिनेत्री हैं इनका जन्म गौतम परिवार में हुआ है इनका जन्म अट्ठाईस नवंबर उन्नीस को हिमाचल प्रदेश में हुआ था इनकी नागरिकता भारत है व्यवसाय अभिनेता और टेलीविज़न अभिनेता हैं उड़ीद सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में परेश रावल जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो परेश रावल एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता हैं फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ भी हैं जो विशेष रूप से हिंदी फिल्मों और तेलुगु और कुछ गुजराती और कुछ तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं वो दो से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और विभिन्न प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता हैं उन्होंने उन्नीस में उन्होंने छोकरी और सर फिल्मों में अपने प्रदर्शन के लिए सबसे सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता उसके बाद उन्होंने एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला इसके बाद केतन मेहता का सरदार जिसने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाते देखा गया था एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिलाई उन्होंने 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था उन्होंने तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर हिट जैसे छना छणम उन्नीस सौ इक्यानवे मनी उन्नीस सौ तिरानवे मनी मनी उन्नीस सौ पंचानवे गोविंदा गोविंदा उन्नीस सौ चौरानवे रिक्शा वोडू उन्नीस सौ पंचानवे में वागरू बगुनारा उन्नीस सौ अठानवे में अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए पहचान प्राप्त की और हिंदी सिनेमा में उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियाँ नाम उन्नीस और शिवा उन्नीस सौ नब्बे मोहरा उन्नीस सौ चौरानवे तमन्ना उन्नीस सौ छियानवे एहतराज उन्नीस सौ और टेबल नंबर 21 2013 और जिला गाजियाबाद 2013 है रावण ने हिंदी फिल्मों में कॉमेडी और कुछ गहन सहायक भूमिकाओं के साथ प्रशंसाएं प्राप्त की है क्योंकि उनकी कुछ उल्लेखनीय भूमिकाएं अंदाज अपना अपना उन्नीस चाची चार सौ और हेरा फेरी दो नायक 2001 आंखें 2002 में अवरा पागल दीवाना 2002 में हंगामा 2003 में परेश रावल ने सहायक भूमिका में उन्नीस की फिल्म अर्जुन से अपनी शुरुआत की वो दूरदर्शन टीवी सीरियल बंटे बिगड़ते कलाकारों का हिस्सा थे ये उन्नीस की ब्लैक बॉस्टर नाम थी जिसने उन्हें महान प्रतिभा वाले अभिनेता के रूप में स्थापित किया और वो फिर 1980 और 1990 के दशक में सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए जिनमें ज़्यादातर मुख्य खलनायक के रूप में थी जैसे कि रूप की रानी चोरों का राजा कब्जा किंग अंकल राम लखन दौड़बाजी और भी बहुत कुछ 1990 के दशक में उन्होंने कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में भी अभिनय किया जिसमें उन्होंने डबल रोल प्ले किया है राहुल को 2000 के बॉलीवुड कल्ट क्लासिक खेरा फेरी दर्शकों और आलोचकों दोनों द्वारा एक चरित्र अभिनेता के रूप में माना जाता है जिसके बाद उन्होंने मुख्य अभिनेता या मुख्य नायक के रूप में कई हिंदी मुख्यधारा की फिल्मों में भी अभिनय किया है परेश रावल ने फिल्म हेरा फेरी में मंदबुद्धि उद्धाम और दयालु मराठी जमींदार बाबू राव गणपत राव अपटे की भूमिका निभाई जो राजू अक्षय कुमार और श्याम सुनील शट्टी को अपने घर भुगतान के रूप में लेता है और फिल्म को मिली प्रमुख राष्ट्रव्यापी सफलता के लिए परेश रावल का अभिनय एक महत्वपूर्ण कारण था अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता उन्होंने फिल्म फेयर हेराफेरी की अगली कड़ी में बाबू राव के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और 2006 दो जो सफल रही और 2002 में एक उल्लेखनीय मुख्य भूमिका आई जब रावल ने अमिताभ बच्चन आदित्य पांचोली अक्षय कुमार अर्जुन रामपाल और सुस्मिता सेन की अभिनीत हिट फिल्म आंखें में तीन अंधे बैंक लुटेरों में से एक का किरदार निभाया रावल ने 2000 के शेष के लिए मुख्य रूप से कॉमेडी मल्टी स्टारर में देखा गया था साल 2012 में रावल ने फिल्म ओमेजी ओ माय गॉड में मुख्य भूमिका निभाई अक्षय कुमार को उनके समर्थन करते देखा गया था और दोनों ने अपनी भूमिकाओं के लिए शानदार समीक्षा प्राप्त की और उनका गुजराती नाटकों में भी एक बहुत ही सफल अभिनय करियर रहा नवीनतम नाटक